क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। याद रखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। टू का जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका ए नंबर लैक्टोमीटर। देखो हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जब भी कभी यहाँ पर दूध शब्द आता है और इसे कोई भी उपकरण होते हैं या किसी प्रकार की कोई चीज होती है तो आपके लैक्टो शब्द आपको जरूर लगा मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माचिस की डिब्बी में, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉजिक में है तो थोड़ा सोच समझ के ही यहां पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। थ्री का जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर आपका सी नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से ही तो जलती है ना, रासायनिक क्रिया होती है तभी तो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। बताइएगा कौन सा नियम का पालन कर रहा है। जब आप क्या होती है, अब जो बस होती है अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो अचानक क्या होती है, आगे की ओर जो बच्चे बैठे होते हैं, सवारी होती है, झुक जाती है, ये कौन सा नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम होता है कहां पर होता है, यहां पर बताइएगा, विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कोई नहीं। कौन सा जवाब बनेगा। फाइव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर विषुवत रेखा पर, बिल्कुल सही है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं। क्या बनते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका जी का मान होता है वो आपके कहाँ पर, विषुवत रेखा में अर्थात भूमध्य रेखा में क्या होता है, आपके यहाँ पर न्यूनतम होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर ध्रुवों से यहाँ पर विषुवत रेखा की आएंगे तो आपका जी का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज अर्थात जलयान पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर जवाब दीजिएगा, यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आपका आर्किमिडीज, कौन सा जवाब बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, सेवन नंबर में। सेवन का ऑप्शन आ रहा है निर्वात में, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि निर्वात में आपकी किसी प्रकार से ध्वनि जो होती है वो यात्रा नहीं कर सकती। आपको पता होगा ये क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा की सतह पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहां पर आपका वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना, इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहां पर आपका आठ का जवाब आ रहा है, यहां पर आपका देखिए नीला, हरा, पीला और नारंगी। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका जो डी नंबर है आपके नारंगी का, किसका है, तो आपके नारंगी का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहां पर लाल तो दिया नहीं गया है, ठीक है ना, इस वजह से। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये बताइएगा कि ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है वो किसमें होती है, निर्वात में, लोहा में, पानी में या वायु में। तो चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो चलिए यहां पर दे सकते हैं आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, आपकी लोहा में, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था इस्पात में ध्वनि की जो स्पीड होती है वो आपकी सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 21 प्रकार से होता है, सबसे पहले आपके ठोस में, फिर आपका द्रव में, फिर आपके गैस में, है ना, उसी प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। चलिए बताइएगा कि किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, अर्थात मनुष्य जो आपका सुन सकता है वो कह सकते हैं कि कौन सी आवृत्ति की सुन सकता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, चलिए 10 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, ये 100 हर्ट्ज तक, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, 100 हर्ट्ज आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है ध्वनि की तरंग की कौन सी विशेषता
इसके तारत्व को तय करती है। चलिए ध्वनि की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को यहाँ पर तय करती है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 11 नंबर में 11 का ऑप्शन आ रहा है आवृत्ति। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कि ध्वनि की कौन सी विशेषता होती है जो तारत्व को तय करती है, मतलब आपकी जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल जो स्तर होता है कितना होता है? अर्थात दो व्यक्ति अगर बातें कर रहे हैं तो इनकी आवाज का डेसिबल होता है कितना होता है? चलिए हल्ला नहीं मार रहे हैं, बस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बताना है सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई 12 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, लगभग 30 डेसिबल होता है। कितना होता है? लगभग 30 डेसिबल होता है। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आपको हमने बताया भी है ना, तो जल्दी प्रयास करिए, जल्दी आएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 17 मीटर। देखिए 17.2 मीटर है और 17.2 सेंटीमीटर भी है, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 13 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए मीटर होता है कितना होता है? 17 मीटर होती है 17 मीटर। याद रखिए यहाँ पर घुमाने के लिए सेंटीमीटर दिया है, बल्कि ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड होने वाले हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को हम बढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी स्पीड हो जाइएगा। चलिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा का संवहन करता है? गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज विद्युत या गतिज, कौन सा बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, गतिज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? बह रहा है, और बह रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, गति ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है? चलिए यहां पर देख सकते हैं इसका घनत्व अगर पूछा गया है तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है ना, और उसका जो एरिया होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो क्या होता है, अर्थात क्या परिवर्तन होता है? जवाब दीजिए 16 नंबर में, घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होती है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है 16 नंबर में। तो याद रखिएगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, मतलब जो गलने की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इस कारण से यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब आ चुके हैं और जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 17 नंबर में। आपका जवाब देखिए सी नंबर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहां पर बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जवाब दे रहे हैं यहां पर बी नंबर, तो आपको बता दें जो बी नंबर दे रहे हैं वो आपका यहां पर सेंटीग्रेड दिया है ना, और जिस दिन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 हो जाएगा पूरी तरीके से विस्फोट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यहां पर फारेनहाइट होता है। क्या? 98.6 फारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड अगर हो गया तो समझो उबलने लगेगा, हड्डियां बाहर निकल कर आएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निकट दृष्टि वाले लोगों का प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए, आनंद भी आएगा, आपको भी मजा आएगा और हमें भी आनंद आता रहेगा, ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष वाले के लिए क्या होता है? तो आपको पता है कि यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? चलिए 19 का जवाब दीजिएगा कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? चलिए यहाँ पर पीला, बैंगनी, हरा या लाल, तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? सबका जवाब आ रहा है बी नंबर, बैंगनी। बिल्कुल सही है, बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो आपकी सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की होती है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? यहाँ पर वायु, जल, हीरा या कांच? चलिए 20 नंबर में, याद रखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बन जाएगा, हीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? चलिए 21 का जवाब दीजिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 21 का जवाब दीजिए,
यहाँ पर गले में भी खराश हो गई है। चलिए बताइएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर, प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन, क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर उत्तल लेंस। देखिए बिल्कुल सही है कि जो उत्तल लेंस होता है ये दूर की वस्तुओं को अपने आप में अपने अंदर यहाँ पर छोटी वस्तु के रूप में कर लेता है और वास्तविक होता है ना, तो जो व्यक्ति जैसा होता है अर्थात कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि उल्टा दिखाई देगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा ए नंबर आपको होगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब आपसे दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या आपका दृष्टिकारी। 23 नंबर में क्या जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए मोटर है ना, हमने बताया था जो आपकी मोटर होती है तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पर प्लस माइनस ये कह सकते हैं आप बिजली देते हैं, तो बिजली क्या होती है ये इसको मैकेनिकल तरीके से यहाँ पर रोटेट करवाने के बाद इसे आप लोग क्या करते हैं आउटपुट लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, पहले विद्युत ऊर्जा दोगे तभी तो इससे आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ काम निकल पाएगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है परिवर्तक जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइएगा जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 24 का जवाब देना है आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे देने लगे हैं यहाँ पर 24 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब देखिएगा दिया है स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लॉरेंज का नियम। याद रखिएगा ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। चलिए 25 का जवाब देना है अगर इसमें से देखो कह रहा है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, यहाँ पर दिया है एस्बेस्टास, सेलुलॉयड, पन स्पेक और आपका अभ्रक, कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं अभ्रक। तो देखो जैसे आपके घर पे क्या होती है मेज होती है, मेज में ऊपर लगा होता है सरमाइका, क्या सरमाइका, वो सरमाइका ही क्या होता है एक प्रकार का अभ्रक होता है, क्या अभ्रक होता है। उसमें अगर आप लाइट लगाते हैं करंट लगाते हैं तो आपको कह सकते हैं करंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं धूप में रख देंगे तो आपको गर्म महसूस होने लगेगा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर अभ्रक आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये किससे बना होता है, यहाँ पर जवाब देना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन और आपका मिश्र धातु, तो जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके टंगस्टन का, किसका होता है तो आपके टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल, विद्युत अवघट या संचालक सेल के माध्यम से, जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहां पर जवाब दे रहे हैं 27 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। देखो यहां पर क्या होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर संचायक सेल होते हैं, क्या यहां पर संचायक सेल होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर आपसे दिया गया है कौन सा क्वेश्चन यांत्रिक ऊर्जा को, क्या दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है। चलिए यहाँ पर दिया रूपांतरित अर्थात यहाँ पर आपको दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डायनामो का, माइक्रोफोन का, विद्युत मोटर का या बैटरी का। तो चलिए 28 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए मतलब आपने हमारे ट्रिक को अच्छे से समझ लिया है, जो डायनामो होता है हमने बताया था जो ट्रैक्टर होता है उसमें यांत्रिक तरीके से पहले दिया जाता है इसके बाद करंट पैदा होती है और आपका स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। 29 का जवाब देना है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, यहां पर जवाब देना है सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या पीतल, क्या जवाब बनेगा। तो चलिए काफी लोग जवाब देने लगे हैं लगभग सभी का जवाब आ रहा है ए नंबर नरम लोहा, क्या होता है नरम लोहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि
न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए 30 का जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं जिरकोनियम, यूरेनियम, मेलेबडिनम और आपका वेनेडियम। देखिए 30 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी यूरेनियम, है ना। जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं वो आपके किसके माध्यम से? तो आपके यूरेनियम के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? चलिए बताइएगा ये रासायनिक प्रक्रिया इनमें से कौन सा है? रासायनिक प्रक्रिया इनमें से कौन होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वात्सर्जन। 30 नंबर में चलिए आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए 31 नंबर में ऑप्शन आ रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, है ना। क्या? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यह बी नंबर नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है युवा ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है? मतलब यहां पर कह रहा है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। चलिए 32 नंबर में क्या बनेगा? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, है ना। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि ठोस अवस्था से गैस में, ये तो पूछा नहीं गया है, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसे हम लोग गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, आर्गस्ट रदरफोर्ड और आपकी गोल्डस्टीन। चलिए 33 नंबर, 33 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखो जब प्रोटॉन में कभी आपका गोल्ड स्टीन दे दे, क्या? जब गोल्ड स्टीन दे दे तो आपको प्राथमिकता देना है किसे? तो आपके गोल्ड स्टीन को ही देना है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर, हमने आपको बताया है कई बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगर आपसे निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और आपका कैडमियम। चलिए 34 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो कैडमियम है ना, कैडमियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम जो होता है, कैडमियम होता है ये क्या करता है? एक मंदक का कार्य करता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पर उसको मंदक के रूप में कार्य करते हैं, ना कि उसे उत्तेजित करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होते हैं किसके बने होते हैं? शुष्क सेल में कैथोड जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? यहां पर 35 नंबर क्या बनेगा? चलिए 35 नंबर की बात करते हैं। तो याद रखिए उसमें जस्ता प्रयोग करते हैं। क्या? यहां पर जो प्रयोग किया जाता है कैथोड के रूप में वो आपका जस्ता का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? चलिए यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर क्या होता है, कोई लोहा है और लोहा में क्या हो गया, ऑक्सीजन क्रिया कर लिया। जब ऑक्सीजन क्रिया कर लेते हैं तो जंग लग जाती है जो कि एक ऑक्सीकरण हो जाता है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लिटमस बिलियर में एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए लिटमस बिलियर में, याद रखिए लिटमस बिलियर में एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, अर्थात रंग होता है जो प्राप्त किया जाता है आपके लाइकेन से। किसे? लाइकेन से। जो भी नया क्वेश्चन मिले उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन में क्या होता है कि हम आपको ज्यादा समझा नहीं पा रहे हैं, यहां पर स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? अर्थात ये पूछा गया है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है किस धातु पर बेअसर होता है, कोई क्रिया नहीं करता है? निकिल पर, चांदी पर, सोना में या तांबा में? चलिए 38 नंबर में, तो 38 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, याद रखिए सोना में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका बेअसर हो जाता है आपके सोना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनता है या नहीं बन पाता है तो क्या कहा जाता है? चलिए जब यहां पर देख सकते हैं साबुन आप लगाते हैं और अच्छा झाग ना बन पाए तो इसे कहते हैं खारा जल। क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक होता है? लाफिंग गैस N2O क्या होता है? N2O होता है। मतलब आपका ऑप्शन क्या बनेगा?
हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन या नियान कौन सा बनेगा? तो याद रखिए यहाँ पर होता है किसका, नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस क्या है, 41 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधक किया जा सकता है, ये बताइएगा। ये जो आपका पानी पीने के लिए करते हैं है ना, रासायनिक कीटाणु शोधन के लिए, वो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपके यहाँ पर प्लांट लगे होंगे जहां पर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, किसका, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसके कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं और यहाँ पर पानी के पीने वाला पानी यहाँ पर कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है, कमरे का जो तापमान है ना, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। चलिए 43 नंबर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये आपके रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपकी ब्रोमीन है। एक कमरे के तापमान में भी क्या होती है, आपकी कह सकते हैं द्रव अवस्था में होती है, वो भी है क्या, ये एक आपकी अधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है। आपने देखा होगा प्याज है ना, जब प्याज आप लोग काटते हैं तो एक प्रकार की गंध आती है ना, काफी लोगों के यहाँ पर आंसू भी आ जाते हैं है ना। तो चलिए बताइएगा 44 नंबर में राइट क्या बनेगा। 44 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है सल्फर यौगिक, जिसे बोलते हैं सल्फेनिक है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर हो जाएगा। सल्फर यौगिक के कारण ही यहाँ पर विशेष प्रकार की गंध भी आपकी आती है, सल्फेनिक की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, बताइएगा। आपको प्रयोगशाला में या आपको हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया होगा कि किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग, आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा भाई 45 में यहाँ पर जवाब दीजिए, थोड़ा सा और प्रयास करिए, थोड़ा और प्रयास करिएगा, यहाँ पर सल्फर नहीं होगा, डी नंबर बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डी नंबर, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, इसकी जो गंध होती है उसड़े अंडे जैसे आपकी गंध आती है ना। अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपकी आने लगेगी तो आपका जो ताजमहल है वो भी गंध देने लगेगा है ना, क्योंकि सल्फर की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो क्षरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नींबू में एसिड पाया जाता है, जो नींबू होता है ना, जिसका पीएच मान होता है 2.4, क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 2.4 होता है, तो ये बताइए कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक होता है क्या, मैलिक होता है, या साइट्रिक होता है, या टार्ट्रिक होता है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर है ना, काफी लोग डी दे रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जो टार्ट्रिक होती है आपकी इमली में होती है ना, इमली हमने बताया था पानी जो आपकी वो होता है बतासे वाला पानी है ना, वो इमली से बनाया जाता है, लेकिन इमली महंगी होने के लिए ये लोग टार्ट्रिक का प्रयोग करने लगते हैं। तो भैया यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा खट्टा होता है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। चलिए 47 नंबर का जवाब कितने लोग यहाँ पर सही दे सकते हैं, चलिए यहाँ पर 47 नंबर में हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, यहाँ पर दिया गया है एसिटिलीन, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन होगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, अर्थात क्या प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन या फास्फोरस। तो चलिए यहाँ पर देखिए 48 का ऑप्शन आ गया है ए नंबर, आपके ग्रेफाइट, किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, देखो यही लेवल रहने वाला है, हमने आपको बता दिया यही लेवल होगा, पूरी सीरीज को पढ़ लीजिए, बस यही से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, यहाँ पर 49 का जवाब देना है। तो हमने बताया था कि गोबर गैस में किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से निकलती है कौन सी गैस, यहाँ पर आपकी मीथेन गैस, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या होता है, यहां पर जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन, क्या होता है, मीथेन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है वाशिंग सोडा, बताइए वाशिंग सोडा, यहां पर जवाब देना है वाशिंग सोडा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम
चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है 51 नंबर में, ऑप्शन आ गया सी नंबर सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर जो जवाब है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने में प्रयोग किया जाता है, बाइक का प्रयोग खाने में होता है, यहाँ पर धोने में प्रयोग होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, क्लियर, इतना पॉइंट सभी को आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है, अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये किसका एक उत्पाद होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या आपका सोडियम। जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिए कैल्शियम किसका होता है, कैल्शियम होता है, ऑप्शन आपका जवाब यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, CaSO4 यहां पर हाफ H2 हो जाता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसलिए सी ए से आपको हो गया कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो हमने आपको यहां पर सामान्य विज्ञान की लगभग 20 क्लासें दिया था, तब हमने यहाँ पर बेसिक से और विस्तार से आपको बता रहे थे, यहाँ पर मैराथन क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बता दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यहाँ पर बताइए 53 नंबर में सिल्वर आयोडाइड, नोट करिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो नया क्वेश्चन मिले उसका स्क्रीन सॉल्व लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बेहतरीन आ गया है, पीतल मिश्रण होता है, पीतल मिश्रण होता है किसका होता है, 54 नंबर में। चलिए पीतल की अगर हम बात करते हैं तो नोट करिएगा जस्ता, मतलब यहाँ पर जस्ता के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर तांबा होता है, पीतल मिश्रण किसका होता है, जस्ता के साथ साथ यहाँ पर आपका तांबा भी होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है, देखो स्टील भी आपके कई प्रकार की होती है, एक लो एलाय होती है, एक मध्यम होती है और एक हाई होती है, तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें क्या होता है, लोहा होता है, निकिल होती है, साथ में इसमें मिला दिया जाता है क्रोमियम, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके जो उपकरण आपके बहुत ही कठोर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, लोहा, निकिल और आपका क्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है केलामाइन का एक अयस्क है, चलिए हमने आपको बताया था केलामाइन का एक अयस्क है, मतलब केलामाइन जो अयस्क है किसका है, यहां पर 56 नंबर में, तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर जस्ते का, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया है कई बार आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर जस्ते का आपका यहाँ पर केलामाइन होता है, ये जस्ते का अयस्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो चलिए याद रखिए बहुत ही प्रकार के भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान मत होइए, हर एक सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर मतलब कर सकते हैं, या आपके रासायनिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी सबके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 57 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर थोरियम, क्या हो जाएगा मोनोजाइट जो अयस्क होता है ये आपके थोरियम का होता है। ठीक है, लाल खाकी रंग का होता है, फास्फेट खनिज जैसा होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो आप देखते हैं कभी कभी ऐसे भी बर्तन होते हैं जिसमें से पदार्थ चिपकता नहीं है ना, तो चलिए इसमें क्या परत चढ़ा दी जाती है, कौन सी परत चढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका टेफ्लान, क्या तो टेफ्लान आपकी परत चढ़ा दी जाती है, जिसमें से ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित करते हैं, तो आपके टेफ्लान, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, कृत्रिम सिल्क के रूप में जो जानते हैं किसे जानते हैं, ये होता है रेयन, क्या होता है रेयन, तो रेयन होता है जो कि कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो चलिए बताइएगा ये आमतौर पर देखा जाए तो पानी को शुद्ध करने का एक तरीका होता है, क्या होता है शीत निष्क्रियता, उत्खनन और क्लोरीनीकरण या अनाइट्रीकरण, क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा 60 नंबर में, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा आपका जवाब आ रहा है, चलिए ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण है ना, बिल्कुल सही, हमने बताया था क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ये घट जाता है बढ़ जाता है, तो चलिए बताइएगा कि देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार घट जाता है या बढ़ जाता है, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि जब आपको कुछ बेचने जाना हो, जब कुछ आपको बेचने जाना हो तो पहले उसमें अच्छे से जंग लगा लीजिए, हैं क्यों ऐसा हो कि जब बेचने जाना हो तो अच्छे से जंग लगने दीजिए। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ये नंबर बिल्कुल सही है कि जंग लगने पर लोहे का क्या होता है भार बढ़ जाता है, अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है क्रिया कर लेता है, जब क्रिया कर लेता है तो इसमें नमी हो जाती है, क्या नमी हो जाती है, और नमी की वजह से क्या होता है इसका भार क्या हो जाता है यहाँ पर बढ़ जाता है, हाँ लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है अर्थात इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी घट जाती है ना, तो याद रखिएगा लोहे का भार क्या हो जाता है बढ़
जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तभी क्या होता है, जब कोई लेने आता है तो उसको पहले यहाँ पर जंग छुटा देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक फ्रिज में शीतलक का कार्य होता है, बताइएगा। एक फ्रिज में शीतलक का जो कार्य होता है क्या होता है, यहाँ मतलब कह सकते हैं शीतलक के रूप में प्रयोग किसे कर देंगे। चलिए यहाँ पर 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग, लगभग दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर फ्रियान, बिल्कुल सही है। याद रखिए फ्रिज में हम लोग ठंडाई के लिए यहाँ पर फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, अर्थात रेशम के कीट के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, वेरिकल्चर, सेरिकल्चर, लिटिकल्चर या पिसिकल्चर। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, सेरिकल्चर होता है। क्या होता है, सेरिकल्चर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी, लाइसोसोम। क्या होता है, याद रखिए कोशिका में पाचन थैली होती है उसे लाइसोसोम कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, मतलब महिलाएं जो होती है वाहक होती हैं, है ना। तो याद रखिए यहां पर बताइए 65 नंबर में, निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या वरणता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, कौन सा हो जाएगा 65 में। तो देखिए 65 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपका वर्णांता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें से महिलाएं बहुत ही कम होती हैं, आपके जो कह सकते हैं रोगी, बस ये वाहक होती हैं। क्या होती हैं, ये वाहक होती हैं, याद रखिएगा वाहक होती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। चलिए बताइए हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका छोटी आंत में, अर्थात भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है, जहाँ पर देखा जाए 90% पाचन यही होता है, और यहीं से सभी जगह जो आपके कह सकते हैं खनिज लवण होते हैं अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं छोटी आंत से, ठीक है, मतलब भोजन का स्वांगीकरण यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सीकर पाचन के काम आता है, सीकम, यहाँ पर सीकम दिया गया, सीकम पाचन में आता है किसके, तो 67 में बताया दिया गया है प्रोटीन, फिर दिया है वसा, फिर सेलुलोज, फिर आपका स्टार्च, जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सीकम यहाँ पर सेलुलोज के पाचन के काम आता है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कौन सा वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आपके बॉडी में यह अंग कौन सा है जो आपके कोलेस्ट्रॉल तोड़ देता है। चलिए वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। चलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, यह आपका यकृत होता है, और याद रखिए ऐसे कार्य जो करेगा वो यकृत ही करेगा, कोई आंख फेफड़ा नहीं करेगा, है ना, ये तो आपको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, चलिए बताइएगा कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा। चलिए जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है आपका यहां पर जिगर बनेगा, क्या जिगर। अब आप लोग पेट लगाओगे तो पेट तो बाहर निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं ना पेट निकल आ गया तोंद बढ़ गई, ये तो बाहर को निकलता है, याद रखिए जिगर जो आपका गुर्दा होता है ये सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि होती है, जो कि आपसे बोला गया है आंतरिक भाग, क्या बोला है आंतरिक अंग बोला गया है, ना कि बाहर वाला अंग बोला गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, और अगर आप घूम गए तो आप घूम जाएंगे, लेकिन आपको घुमा घुमा के मारना है ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए बताइएगा कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं, भोजन को चबाने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, चवर्णक होते हैं, छेदक होते हैं, रदनक होते हैं या दूध के दांत होते हैं। तो भैया 70 में बताइएगा क्या दूध के दांत यहां पर चबाने वाले बन सकते हैं, ये तो नहीं होगा, मतलब आपके चवर्णक क्या होते हैं, इन्हें चवर्णक कहते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, अर्थात आपके बॉडी में एक ऐसा भी अंग है जो पित्त रस का क्या करता है, श्रावण करता है, अर्थात निकलता है, ये बताइए जो पित्त रस है ये निकलता कहां से है।
चलिए ये बताइए, हृदय से, मस्तिष्क के, गुर्दा से या यकृत से कहाँ से निकलेगा? तो ये अब निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। और हमने आपको बताया था कि निकलता तो आपके यकृत से है, लेकिन संचित कहाँ होता है? क्या संचित कहाँ होता है? तो संचित होता है कहाँ पर? तो आपके पित्ताशय में। क्या? आपके पित्ताशय में। आपके भोजन को पचाने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, है ना, जो कि जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खत्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? आपका जो रंग होता है, है ना, लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और कतिपय स्राव का होना, या लोहिताशु, या आपका हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? चलिए 72 नंबर में ऑप्शन डी आ रहा है सभी का जवाब, यहाँ पर डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण यह होता है कि आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? लोहा पाया जाता है। और आपके नाक में यहाँ पर जो छिद्र है, यहाँ से जाती है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन लोहे में जब क्रिया करती है तो वो जंग जैसा लाल होता है। तो लाल होता है, इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। लाल क्यों होता है? उसमें आपके आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करता है? चलिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करता है? 73 नंबर में। तो देखिए यहां पर किसका करता है? ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीजन। अभी अभी हमने बताया कि आपकी बॉडी में जो आपका होता है क्या, लोहा, जब उसमें पहुंचता है तो ऑक्सीकरण करता है ना, और यहां पर जो आपके हो रहा है नंबर ऑक्सीजन होता है, इसका वाहन करने की वजह से ही ये क्रिया करा लेता है और आपका बन जाता है आयरन ऑक्साइड और रंग हो जाता है लाल। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? आप सभी को पता है ये कहां पर बनती हैं, जवाब देना है। चलिए जवाब की बात करते हैं, तो आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए आपका जवाब आ रहा है यहां पर बी नंबर, अस्थि मज्जा। क्या बन जाएगा? अस्थि मज्जा में ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आपके बैकबोन अर्थात जो हड्डी होती है उसके हड्डी के बीच में यहीं से रक्त बनना शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सर्वाग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वाग्राही जो कि आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वाग्राही अर्थात कह सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, ले सकता है। क्या ले सकता है? तो यहां पर बताइए 75 नंबर में, 75 को हो जाएगा सी नंबर, ए और बी अर्थात ए बी, जो आपका ए बी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पर जो आपका ओ होता है इसे बोलते हैं सर्वदाता, है ना, क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, जो कि अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, ओ माइनस, जो ओ माइनस होता है यही होता है सर्वदाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका जो बनेगा सर्वग्राही का वो आपका सी हो जाएगा, ए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, ये खोज करने वाला प्रथम कौन था? मतलब आपकी बॉडी में रक्त का संचार कैसे हो रहा है इसकी भी खोज की गई थी, और ये खोज किया था किसने किया था? यहाँ पर 76 का जवाब दीजिए। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं विलियम हार्वे, तो बिल्कुल सही है, लॉक करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो हमने आपको बताया था कि आपके खून के आंसू रोया, कौन, खून के आंसू रोया, और खून के आंसू भी देखो क्या खून के आंसू होते हैं क्या नहीं होते हैं। आंसू दो होते हैं, एक सच्चा आंसू एक झूठा आंसू। तो सच्चा अगर हम आपसे लिखें सच्चा आंसू, तो भाई सच्चा आंसू की बात करते हैं तो 7 और 4 अर्थात 7.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त एक है, ये रक्त बताइए अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है, या उदासीन होता है? बताइएगा ये जो रक्त होता है कैसा होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। देखिए जो लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो शेर शेरनी यहाँ पर ए दे रहे हैं उनको बताते हैं एक उदाहरण। ये देखिए इसका ऑप्शन भी होगा, भाई अगर अम्ली होता तो जैसे कट जाता है तो आप अंगूठे को या उंगली को अपने मुंह में भर लेते हो, है ना, तो भैया क्या खट्टा खट्टा आप मुंह में खा जाते हो? नहीं खाते हो, मतलब यहाँ पर क्षारी होता है वो खट्टा नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन है रक्त समूह ओ कहलाता है। चलिए रक्त समूह ओ कहलाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो जवाब क्या बनेगा? यहां पर याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक दाता हो जाएगा। क्या सार्वजनिक दाता? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, सभी को दे सकता है, है ना, बहुत ही धनवान होता है जो आपका ओ होता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी? 80 का जवाब दीजिएगा, क्या कहलाता है, कौन है आपकी बॉडी का यहां पर रक्त बैंक?
चलिए प्लीहा आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे स्प्लीन भी कहते हैं, इसे हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष जो होता है वो कौन सा होता है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो कक्ष होता है कौन होता है, दाहिना निलय, बायां निलय, बायां अलिंद या दायां अलिंद। ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिए बायां निलय, कौन, बायां निलय होता है जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, ठीक है ना, और आपके हृदय में चार कक्षी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर जवाब दीजिए 82 नंबर में। और देखिए 82 की अगर बात करते हैं, है ना, तो हृदय की धड़कन, है ना, और श्वसन को नियंत्रित करता है जो आपका मेडुला ऑब्लोगाटा होता है, था जो शरीर के पीछे जो आपकी हड्डी गई है, गर्दन से जुड़ी होती है, तो उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या मूत्रवाहिनी में, कौन सा कहां पर बनेगा। चलिए यहां पर देखिए बनता कहां पर है, तो आपकी यकृत में बनता है, ठीक है, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर यकृत में बनता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 83 ऑप्शन सब लोग यहां पर नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी तंत्रिका आपकी तंत्र होती है इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है क्या होती है, न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, सेरिब्रम होती है, सेरिबेलम होती है। 84 ऑप्शन हो जाएगा क्या, न्यूरॉन, क्या होती है, न्यूरॉन होती है, आपकी तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है तो आपकी न्यूरॉन होती है, ठीक है ना। अगर पूछे कि नेफ्रॉन क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है जो किडनी होती है, वृक्क होती है, उसमें असंख्य प्रकार की छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं जो कि नेफ्रॉन होती हैं, है ना, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 85 का जवाब यहां पर लॉक करना है। चलिए यहां पर 85 की अगर हम बात करते हैं तो 12 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, याद रखिएगा, है ना, तो सबका जवाब बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, 12 जोड़ी यहां पर कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी। आप सभी को याद होगा, सभी को पता है, जो स्टेपीज हड्डी होती है जो कि आपके कान में होती है, कहां पर होती है, कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में जो कि आपकी फीमर होती है ना, क्या होती है, फीमर होती है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अवाटू, याद रखिए थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, अवट अर्थात थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी होती है। तो देखो थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है ना, अगर आप ये चीज नहीं खाएंगे तो आपके गले में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर क्या होता है, आपके आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन होता है, इसलिए नमक भी आपका खाना जरूरी होता है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, ये आपका आईएमपी है, इसे नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या आपकी टेरिस में आपकी है, 88 नंबर में लॉक करिएगा। चलिए यहां पर देखो आपका जवाब आ रहा है, यहां पर आपका बी नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे कि अभी अभी हमने आपको बताया, यहां पर कौन सी बताई, आपकी अवट ग्रंथि, कौन सी, यहां पर जो आपकी जवाब दिया है बी नंबर, अवट ग्रंथि, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यही पॉइंट अभी हमने आपको बताया है, ये जो अवट ग्रंथि होती है इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, अर्थात जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमने आपको पहले भी बता दिया है, तो आपको यहां पर थायराइड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अवट ग्रंथि मिलेगा, क्लियर है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, चलिए पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है ये किस में पाई जाती है, यहां पर बताइए, मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं, तो यहां पर 89 में आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ए, मस्तिष्क के नीचे आपकी होती है, याद रखिए इसे नोट कर लीजिएगा, मस्तिष्क के नीचे होती है और एक मटर के दाने के आकार की होती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और पीयूष ग्रंथि ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्या, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा, और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं आपके इस पीयूष ग्रंथि को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हार्मोन्स हमारे हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित किया जाता है, बताइएगा ये हार्मोन्स
हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, ये बताइए किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो आपका अग्न्याशय होती है, अर्थात यहाँ पर अग्न्याशय, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि से, तो आपके अग्न्याशय से आपके होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि आपके कई प्रकार के हार्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं लड़ो और या उड़ो वाले भी होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर प्यार वाले भी होते हैं, है ना। तो चलिए अभी आपके सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। यहाँ पर दिया है एस्ट्रोजन, आपका एंड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका इंसुलिन, सभी को याद होना चाहिए। याद रखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आओगे। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। याद रखिएगा ये कैसा हार्मोन्स है, तो आपका एस्ट्रोजन अर्थात ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, महिलाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इंसुलिन एक प्रकार का है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, या यहाँ पर आपका नमक होता है। चलिए जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 92 नंबर में सबका जवाब आ रहा है कि ये हार्मोन्स होता है। क्या ये हार्मोन्स होता है, नोट करिएगा कि जो आपका इंसुलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, 93 में। तो देखिए कह रहा आपसे कि हमारे भोजन का जो आहार होता है और आहार में क्या मिलता है, प्रोटीन आपका मिलता है, तो मुख्य रूप से किसके लिए होगा, तो भाई खाना खाएंगे तो खाना खाने में प्रोटीन भी आएगी और मुख्य रूप से किसके लिए बनेगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में वृद्धि होगी आपकी मरम्मत के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन जो होती है ये वृद्धि और मरम्मत के लिए होती है। याद रखिएगा ऊर्जा के लिए नहीं होती है, आपकी बॉडी में वृद्धि के लिए और आपकी बॉडी की मरम्मत के लिए होती है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, प्रोटीन पूछे, प्रोटीन किसके लिए उपयोगी है, तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, चलिए प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या आपका ग्लूकोज, चलिए 94 का ऑप्शन देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। हमने एक उदाहरण में आपको और भी बताया था कि मान लीजिए कि आपको अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको कोई सेब या केला ऐसे नहीं खाना है, आपको जूस पी लेना है ना, जूस पी लेना है, आपको एनर्जी तुरंत मिलेगी, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि जो सेब है केला है कुल मिला के ये आपकी ऊर्जा देते हैं वो थोड़ी देर बाद ही देंगे, अर्थात जब पाचन क्रिया होगी तब देंगे, और ये डायरेक्ट आपको असर करती है, जैसे दवाइयां होती हैं, दवाइयां जब घुलती हैं तब असर करेंगी, और इंजेक्शन सीधा बोलते हैं ना डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए, वैसे ही होता है तुरंत के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या शुद्ध भाषा मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील होता है, यहां पर कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हमने बताया था पानी में जो बच्चा होता है वो डूब जाता है, कौन बच्चा की बात करते हैं तो बी और सी, अर्थात बी सी से क्या हो गया, बच्चा पानी में डूब गया। अब जितने बच्चे हुए हैं वो वसा में घुलनशील होंगे, लेकिन जो पानी में घुलनशील होंगे वो आपके बी और आपके सी हो जाएंगे, तो 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो आपका होता है ये शहद ही होता है, सबसे मीठा ये कौन सा है, तो आपका शहद होता है, जो कि आपके शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज, क्या तो फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, आपके रक्त के जमने में अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, 97 देना है, तो जवाब क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा आपका यहां पर डी, विटामिन के हो जाएगा, क्या विटामिन के होता है। हमने आपको यह भी बताया होगा कि एक ऐसा भी रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो आपका होता है हीमोफीलिया, क्या होता है हीमोफीलिया होता है, उसमें से रक्त का थक्का नहीं बनता है, एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा सही क्या हो जाएगा, तो सबको यहां पर पता होगा, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां पर जो आपका होता है कौन एस्कर्विक अम्ल होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट होता है। ठीक है, हो गया ना, एस्कर्विक अम्ल हो जाएगा, और आपको विटामिन सी का आहार लेना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन सी लेने से क्या होता है कि जो बाल भी पकते हैं वो भी कम पकेंगे, चमकदार भी होंगे, है ना, तो याद रखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, दाल में क्या पाया जाता है, आपको याद होगा दाल में जो मिलता है क्या मिलता है, चलिए
जवाब आ रहा है प्रोटीन, बिल्कुल सही है, आपका जवाब 100% सही है और सबका जवाब आ रहा है प्रोटीन। याद रखिए दालों में जो स्रोत होते हैं ये प्रोटीन का होता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हमारे रुधिर में, हमारे रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त होता है, तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। 100 का जवाब यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं सबका जवाब 100% सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने इसी के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर बताया है हमारे शरीर में जो हमारे रुधिर अर्थात आपका रक्त है, तो ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो चलिए बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो बच्चा गया था खेलते खेलते और पानी में डूब गया, बच्चा से हमने बताया था बी और सी, अर्थात यहाँ पर 101 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आपका बी जो आपका है ये जल में घुलनशील है, आपको हमेशा याद रख लेना है, ना कोई ट्रिक है ना कोई आपका यहाँ पर लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है, बी और सी यहाँ पर बच्चा, ठीक है ना, ये पानी में डूब गया, तो बी सी आपको हमेशा याद रहेंगे और जो भी पूछे वो आपकी वसा में हो जाते हैं घुलनशील, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है क्या होता है, 102 का जवाब लॉक करिएगा। सबका जवाब आ रहा है बी आपका आंवला, है ना, क्या होता है आंवले में आपके कह सकते हैं जो सी होता है बहुत ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन खाए हैं तो सबसे पहले अगर आप नहीं खाते हैं तो आप खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सोयाबीन कई प्रकार से, एक होता है सब्जी में आप लोग जो खाते हैं, एक होता है सोयाबीन कच्चा वाला था जो दाने में होता है, तो दाने वाला खाना है, ठीक है ना। सोयाबीन में क्या होता है प्लास्टिक पाई जाती है, क्या प्लास्टिक पाई जाती है सोयाबीन में, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो प्लास्टिक की कमी होती है वो आपकी सोयाबीन से पूरी हो जाएगी, तो खाना चाहिए। तो सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है, 103 नंबर में यहां पर हो जाएगा प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन, जिस प्रकार से दाल में प्रोटीन होती है उसी प्रकार से यहां पर सोयाबीन में भी क्या होती है प्रोटीन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, यहां पर 104 का जवाब दीजिएगा। चलिए 104 नंबर में, तो अभी आपने पढ़ा पोटेशियम अर्थात जो होता है विटामिन के, कौन विटामिन के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, 105 नंबर में लॉक करना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर कुछ लोग यहाँ पर ये दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिकेट्स बीमारी होती है आपकी विटामिन डी से, क्या होता है विटामिन डी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विटामिन B3 जिसे हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अगर यहाँ पर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा, यहां पर डी नंबर पेलाग्रा रोग हो जाता है, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और एक विटामिन और होता है यहां पर B6 भी होता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है, अर्थात अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो एक लक्षण आपको दिखाई देने लगता है, ये मसूड़ों में खून आना, क्या मसूड़ों में खून आना यही होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रोग क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर जो आपकी बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहां पर रतौंधी, क्या हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग आपके हो जाता है, 109 नंबर में, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा विटामिन B3 आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आप कुपोषण के शिकार होते हैं, इसका भी कारण यहां पर क्या सकता है, तो आपका होता है क्वासर कुरोर, है ना, यहां पर क्वासर कुरोर होता है, अर्थात यहां पर क्या होता है जो बच्चा होता है दुबला पतला हो जाता है, है ना, जिसको बोलते हैं हाथ पैर लकड़ी पेट दमकड़ी, है ना, ये गांव में देहाती भाषा बोलते हैं, वो क्या होता है बिल्कुल पतला पतला सा दिखाई देने लगता है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर सुखवा रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, क्या चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं का रोग कारक जीव कौन सा है, चलिए चेचक का जो रोगवाहक रोग कारक जीव है ये कौन सा बनेगा, यहां पर 11 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर होता है वैरियोला विषाणु, क्या वैरियोला जो आपका विषाणु होता है इससे आपका चेचक रोग हो जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है, एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है, 112 नंबर में लॉक करना है। चलिए देखिए जो आपकी होती है कौन गर्भवती महिलाएं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें
एनीमिया होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, किसकी कमी से एनीमिया रोग बन जाता है अर्थात हो जाता है। चलिए, आपकी बॉडी में क्या कमी होती है, तो लोहे की कमी से, क्या लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है, बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपररोपिया या मायोपिया या यहां पर एस्टिगमैटिज्म, क्या बनेगा, तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कुछ कह रहे हैं लेकिन हमने आपको बताया था कि आपकी जो मायोपिया है ना, मायोपिया जो होती है इससे निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष की बीमारी में हम लोग यूज क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, अगर आप खट्टे फल का सेवन करते हैं तो एक बीमारी है जो आपकी समाप्त हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब कह सकते हैं समाप्त हो सकती है, तो ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर, स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अंधापन नहीं होगा, अंधापन ऐसा होता तो आपको यहाँ पर आंवले की ढेर में बैठा देते और आपकी आंखों में नजर आ जाती, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर आपको मलेरिया हो जाए, पहले तो होना नहीं चाहिए, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, चलिए यहाँ पर 116 नंबर में, तो क्या होता है, प्लीहा, मलेरिया में क्या होता है, यहाँ पर प्लीहा जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन, है ना, ये आप कह सकते हैं प्रभावित होता है, आपको पता है कि मलेरिया से क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज होते हैं, खत्म हो जाती हैं, और आपको याद होगा ये रक्त का कब्रगा कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, तो इसे तो आपको याद ही रह जाएगा, प्लीहा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, देखिए यहाँ पर होता है ट्यूबरक्लोसिस अर्थात जो टीवी होती है ना, यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं टीवी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त कैंसर को कहा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आज के लिए, जो आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये रक्त कैंसर जो कहते हैं किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ल्यूकोमेनिया, क्या, ल्यूकोमेनिया को कहते हैं रक्त कैंसर, जब क्या होता है कि जो आपकी कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाए, और जो आपकी होती हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होने लगती है, अर्थात जो व्हाइट अर्थात कह सकते हैं श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं या डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होने लगती है उसे बोलते हैं रक्त कैंसर, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है, चलिए यह बताइए कौन सा रोग है, कि यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णांता, है ना, अभी हमने बताया था वर्णांता का मतलब, वर्णांता में क्या होता है, लाल और हले, लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण अगर हमसे बोले कि क्या होता है मिर्चा, है ना, जो मिर्च होते हैं उसमें लाल और हरे ही होते हैं मैक्सिमम, कभी कभी काला मिल जाता है मिर्चा, है ना, लाल और हरे में पहचान करने मिल जाती है किसको, वर्णांता है, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा, चलिए 120 नंबर में, याद रखिए सिनकोना वृक्ष की छाल से, किसे, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है जो मलेरिया की दवा है, क्या, कुनैन, कुनैन जो प्राप्त होती है सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, 121 नंबर में क्या बनेगा, तो याद रखिएगा अगर रक्त में अधिकता हो जाए किसकी, तो आपकी नाइट्रेट की, है ना, जब नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है इसी रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या होता है, 122 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है प्लाज्मोडियम, ईकोलाई, अमीबा या आपका यूग्लेना, बिल्कुल सही है, लगभग सभी का जवाब आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर आपका होता है प्लाज्मोडियम, है ना, मलेरिया परजीवी का जो नाम होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, चलिए अभी अभी आपने पढ़ा कि मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन होता है, तो आपका जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होती है, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्लीहा, है ना, क्लियर है ना, इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा मुंह में, गले में,
में पैर के जो निचला हिस्सा होता है सब में पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे होते हैं। तो ये जो आपका बीमारी है कौन सी बीमारी है, इसे ही बोलते हैं पिलाग्रा रोग, ठीक है ना, याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं पिलाग्रा रोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि अभी हमने बताया था B3 क्या होता है, B3 की कमी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, चलिए किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यहाँ पर 125 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी आयोडीन, बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। आपको और भी पढ़ाया गया होगा कि अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो भी आपको कह सकते हैं घेंघा रोग हो सकता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, मलेरिया से प्रभावित अंग इनमें से कौन सा है, अस्थि मज्जा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क या आंत, कौन सा बनेगा, चलिए भाई 126 का जवाब दीजिए, तिल्ली है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो तिल्ली है अर्थात जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये इनकी वजह कह सकते हैं मलेरिया से ये प्रभावित होता है, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, यहाँ पर दिया एरंड, मक्का, चावल और आपका चना, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा चना, कौन सा जो यहाँ पर डी दिया है चना, ये भ्रूणपोषी बीज आपका नहीं है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो जो आपकी हल्दी होती है ये काय से प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, चलिए बताइएगा यहाँ पर, बताइए कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपके जड़ से, है ना, याद रखिए कुछ लोग जड़ दे रहे हैं कुछ लोग तना दे रहे हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी तना, देखिए बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर तने से प्राप्त होती है। हमने बताया था कि जब आप हल्दी के पौधे को आप उखाड़ते हैं उसमें से क्या होते हैं, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं और इन जड़ें को इनको बोलते हैं तने, क्यों, क्योंकि इन तनों में ही आपकी हल्दी लगी होती है, जैसे मूंगफली लगी होती है ना वैसे आपकी हल्दी भी लगी होती है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किस में बदल जाती है, यहां पर देखिएगा तो रासायनिक ऊर्जा में, हमने प्रारंभ में ही बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, क्या, रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, आप देखते हैं कि स्टील जो होती है ना, जैसे थाली है आपके घर में, तो आप चाहे पानी में डाले रहो लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है ना, आपके घरों में जो आपकी छत होती है रेलिंग लगाई जाती है तो काफी लोग स्टील के लगा देते हैं, थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है बारिश में, है ना, तो यहां पर कौन सी धातु मिला दी जाती है, तो यहां पर मिला जाती है क्रोमियम, क्या, क्रोमियम मिला दी जाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, दूध को दही में खट्टा करना, तो चलिए यहां पर 131 नंबर में याद रखिए इसे बोलते हैं किडवन, क्या बोलते हैं, किडवन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, दूध को दही में जब खट्टा हो जाता है तो आपका किडवन होता है। अगला दिया गया है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया सकता है, चलिए बताइएगा कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगा सकते हैं, बताइएगा उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से, क्या बनेगा, तो चलिए जवाब आ रहा है बी और जवाब आ रहा है सी, हो सकता है कि कॉपी पेस्ट वाले हों जिनका जवाब यहाँ पर गलत आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा उसके वजन से नहीं नाप सकते हैं, है ना, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, आप जब पेड़ को काटते होंगे तो देखते होंगे उसके बीच में गोलाई गोलाई बने होते हैं, इन्हीं गोलाई से पता चलता है ये कितने उम्र का हो गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट बन जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है, जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उसमें एक बीमारी होती है कैंकर, है ना, क्या होता है, कैंकर, तो एक सौ यहाँ पर 33 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, चलिए याद रखिए यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण, क्या, बैक्टीरिया के कारण, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, आलू में ब्लैक हार्ट होता है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिएगा, चलिए आईएमपी क्वेश्चन इसे भी नोट करिएगा कि आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, चलिए यहां पर 134 में जवाब आ रहा है कि भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्या, भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप कह सकते हैं ब्लैक हार्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहां पर एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, ये जो आपकी बीमारी है कैसी बीमारी है ये बताना है, किस प्रकार की बीमारी है, कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिए आंख से संबंधित बीमारी है, किससे है, तो आपकी आंख से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन इसका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, चलिए कब मनाते हैं,
यहाँ पर 2 पर नंबर में जवाब आ रहे हैं और काफी तीव्रता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर 7 अप्रैल को जवाब बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है मेलाकोनाइट। देखो मेलाकोनाइट आपका होता है, इसे हम लोग मैला बोल देते हैं ना, मेलाकोलाइट बोल देते हैं, मेलाकोलाइट। तो याद रखिए मेलाकोलाइट के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं मेलाकोलाइट। ये जो आप कह सकते हैं धातु खनिज है किसका है, ये आपके तांबा का होता है। किसका? तांबा का होता है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कह रहे किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में जो किया जाता है कौन सी है? तो आपको पता है जो घर पे बैटरियां यूज होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। चलिए बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है अर्थात रक्त होता है। सभी को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को पता होगा और जवाब भी यहां पर आ रहे हैं ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसा नहीं दुबला पतला हो बिल्कुल से झुर्री नामा, है ना। तो याद रखिए एक सामान्य व्यक्ति होता है जो ठीक ठाक आपका देखने में लगता हो, है ना, थोड़ा हैंडसम भी लगता हो, है ना, समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था। तो बताइएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवलोकित किया किसने किया था। चलिए 6 नंबर में यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विद्युत चुंबकीय पूछा गया है, यहां पर विद्युत चुंबकीय आपसे जवाब दे रहे हैं। तो काफी लोग जवाब यहां पर बी दे रहे हैं और काफी लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो बताइए भाई यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो खोज की थी वो किसने किया था। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर होगा, सी नंबर नहीं लगाना है। यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया था वो आपके ओस्ट्रेड, किसने? ओस्ट्रेड ने अपने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये थे आपके ओस्ट्रेड द्वारा। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर राइट होगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है न्यूरॉन इकाई है किसकी इकाई है, न्यूरॉन जो इकाई है किसकी इकाई है आपसे पूछा गया है। तो चलिए न्यूरॉन इकाई यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके तंत्रिका ऊतक की है, अर्थात जो आपके यहाँ पर जो न्यूरॉन इकाई होती है सेल्स की होती है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, तंत्रिका ऊतक आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। ब्लैक होल आप यहाँ पर 1989 में, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा एस चंद्रशेखर। किसने? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज किसने किया था? तो आपके एस चंद्रशेखर ने। इसीलिए ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है कार्य क्या होता है, मतलब आपके देखा जाए बॉडी में हीमोग्लोबिन करता है आपके ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर कि ऑक्सीजन का परिवहन करना ये हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड जिसकी वजह से रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। मतलब भारत में रेडियोधर्मी आपका पदार्थ है, ये जो आपका विशालतम भंडार है आपकी किस चीज का है? तो 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, आपके थोरियम का। क्या? थोरियम। ये आपके कहाँ पर? तो आपके केरल में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा, आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर आपका। तो यहाँ पर थोरियम या यूरेनियम, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है ये आपके कहां पर? तो आपके थोरियम में। देखिए हाँ, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है, थोरियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी मानव आंख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है एक ऐसा होता है। चलिए 11 का जवाब देना है, 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर सही जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो किसी मानव शरीर की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या होता है वास्तविक और क्या होता है उल्टा होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। मतलब फोटोग्राफी में कौन सा यहाँ पर प्रकाश संवेदी यौगिक होता है? तो बताइए कौन सा यौगिक योग किया, मतलब किसके हैं यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। मतलब देखिए 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफी में। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है? देखिए आपके खाने में क्या होता है विटामिन और आपका खनिज, जो कि संरक्षात्मक आपकी सुरक्षा और से आपका संबंधित है। तो विटामिन और क्या होता है खनिज, ये होते हैं संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, परिभाषा पूछ ली गई है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ये परिभाषा है आपकी विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पीतल किसका मिश्रण होता है, अर्थात जो पीतल होता है उसमें क्या क्या चीज मिलाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, जनरल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पीतल किसका मतलब मिश्रण होता है। पीतल में मिला होता है यहाँ पर आपका तांबा और जस्ता। क्या? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है आपका पीतल होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है टांका अर्थात शोल्डर, जो शोल्डर होता है इसमें किसका मिश्रण होता है 16 नंबर में। तो भाई 16 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें होता है सीसा और टिन का। किसका? सीसा और टिन का मिश्रण होता है जो कि आपके टांका अर्थात आपके शोल्डर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आप लोग ठंडा पीते हैं ना,
आप लोग ठंडा वगैरह पीते हैं जब पेट में गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है ना, तो यहाँ पर याद रखिए उसमें होती है क्या, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात क्या होती है CO2 होती है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो भाई तभी तो गाना सुने होगे ना, सैया जी से वो मंगायो ठंडा कोका कोला, इसलिए है क्योंकि गुड़गुड़ हो रहा है इसलिए मंगाया है, तो इसमें क्या होती है CO2 होता है। यहाँ पर बताइए वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, मतलब कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपकी विद्युत मोटर होती है, करंट दीजिए और इसके बाद यांत्रिक तरीके से ये आपको रिजल्ट आपको दे देगी है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गति ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या होता है, गति ऊर्जा का सूत्र पूछा गया, गति ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है के बराबर हाफ एमवी स्क्वायर, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर, यहाँ पर हाफ एमवी स्क्वायर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, प्रतिध्वनि मतलब होता है कि कोई मान लीजिएगा ये आपके क्या है आपके चिंटू है ना, और अगर एक मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और अगर इसकी दूरी है 17 मीटर, कितनी 17 मीटर आपकी है, अर्थात चिंटू से दूरी किसकी दीवारों की, या कह सकते हैं जो भी आपकी जगह है या कह सकते हैं दीवार खड़ी है, अगर 17 मीटर की दूरी है तो ये चिंटू जो भी बोलेंगे वही इनको सुनाई देगा, कुल मिलाकर प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है, तो इसका मतलब है 20 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि ध्वनि तरंगों का क्या होता है परावर्तन होता है, वापस क्या करती है लौटकर इनके पास आ जाती है, तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है परावर्तन के कारण इन्हें प्रतिध्वनि सुनाई देता है, जिसकी दूरी क्या होना चाहिए 17 मीटर, अगर दूरी है तो सुनाई देगा ठीक है इस स्पष्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर होता है क्या हो जाता है, बहुत बार आपने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, सबने पढ़ा होगा है ना, तो बताइए यहाँ पर 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 22 नंबर में, तो देखो यहाँ पर मान लीजिएगा कि एक साइड ये शीशा है एक साइड ये शीशा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर चिंटू को और मिंटू को बैठा देते हैं, तो भैया इसका जो चेहरा इसमें जाएगा और इस चेहरे से टकरा कर इसमें शीशा जाएगा, इससे टकरा कर इसमें जाएगा और ये प्रक्रिया होती ही रहेगी, मतलब इसमें से क्या बनेंगे तो अनंत आपके बनेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब कितने होंगे अनंत बनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, एक बीमारी है आपकी सार्स, जैसे कि मान लीजिए कोरोना बीमारी है ना, जैसे मान लो कोरोना बीमारी है जो कि एक वायरस के माध्यम से आपकी है, उसी प्रकार से ये भी आपकी बीमारी है ना, तो समझिए कि सांस की बीमारी ये भी है, तो सांस बीमारी में ए जो आपका अक्षर है निरूपित क्या करता है, यहाँ पर 23 ऑप्शन बनेगा डी, आपके एक्यूट को करता है, या देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूट ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, डिप्थीरिया बीमारी जो प्रभावित करती है यहाँ पर 24 नंबर में किसे करती है, सभी को पता होगा डिप्थीरिया अर्थात आपके गले में होती है ना, एक गले में आपको होती है डिप्थीरिया वाले में, जिसमें से बोलते हैं गलकंठ हो जाता है, अगर नमक का सेवन ना किया जाए तो गलकंठ हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर गले में होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, कह रहे सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में, तो भैया आपने ये भी पढ़ा होगा उत्तोलन, आपने पढ़ा होगा उत्तोलक पढ़ा है ना, उसमें से आपको पढ़ाया गया होगा आपके हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, यहाँ पर 25 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है प्रयास और फलक्रम के बीच में भार होता है, यहाँ पर प्रयास और फलक्रम के बीच में क्या होता है भार होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है, कह रहे कम होता है, क्योंकि ये पूछा है क्योंकि, मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उसकी चार ऊपर की ओर समरूप होती है ना, एक समान हो जाती है, क्या इसकी जो चार होती है क्या ऊपर की ओर समरूप होती है, यहाँ पर आप जानते हैं कि लिफ्ट की जो चार हो जाती है बिल्कुल एक स्वरूप होती है ना, घटती बढ़ती नहीं है, बिल्कुल स्पीड में जाती है वही स्पीड में नीचे आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर ठीक है। चलिए वहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाँ आभास महसूस जरूर होगा, मतलब ये जो व्यक्ति होता है जब ऊपर जाता है तो आभास होता है, आभासी भारी से लगेगा कि नहीं ज्यादा हो रहा है ना, और जब उतरेगा तो लगेगा कम होता है, लेकिन अगर अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इसका भार अपरिवर्तित होगा, ना पता चलेगा कि कम है ना ज्यादा होगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्ध सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा जो रंग होता है तरंगदैर्ध होता है किसका होता है, लाल का बैंगनी का पीला का या हरा का, तो भाई आप लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक पर बहुत दूर से एक बत्ती दिखती है, कौन सी लाल रंग की बत्ती दिखती है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, ये बहुत दूर तक ये कह सकती है इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलाव नहीं होता है, इसीलिए दूर से दिखाई दे देती है, जैसे मॉर्निंग में सुबह क्या होता है सूर्य निकलता है या शाम को जो डूबता है, तो यही कारण होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध आपका ज्यादा होता है, ज्यादा फैलाव के कारण ये दूर तक दिखाई देती है ना, और सबसे कम तो आपके बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन दिया है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, देखो ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा और हमेशा से गलती भी करेंगे, तो बताइएगा कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर हो जाएगा। चलिए 28 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन बनेगा डी 1 माइक्रोन बराबर 0.001
1 मिलीमीटर, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अच्छा है, हमेशा पूछा जाता है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, मतलब कोई भी गैस है वो शून्य आयतन प्राप्त कर लेती है जब इसका टेम्परेचर -273 हो जाता है तब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसिड बदलता है, मतलब अम्ल बदलता है यहाँ पर 30 वाले में, तो याद रखेगा कि यहाँ पर जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अगर कोई एसिड है और नीले लिटमस पेपर को है उसमें डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड अर्थात आपका अम्ल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है, तो बताइएगा कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने से, आपने जलेबी बनाने वाले को देखा है, जब जलेबी बनाने वाले को देखा है कि नहीं देखा है, घर में मान लीजिए आप लोग शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं गिलास लेते हैं घोलते रहते हैं ना, खड़बड़ाते रहते हैं, बहुत धीमे धीमे घुलती है, लेकिन भाई साहब अगर जलेबी बनाने वाले को देखा होगा है ना, तो क्या करते हैं जब आप जला देते हैं तो बहुत स्पीड के साथ जो चीनी होती है घुल जाती है, तो याद रखिए चीनी की घोल का तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो आपकी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वो घुल जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, काफी लोगों के जलेबी का नाम लेने पर मुंह में पानी भी आ गया होगा है ना, और दही का भी नाम ले ले तो पानी शायद नीचे भी टपक सकता है ना, लार टपक जाएगी। चलिए भाई जलेबी भी खा लीजिएगा, समय भी आ रहा है 15 अगस्त है ना, तो चलिए बताइएगा कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 32 नंबर में ऑप्शन डी, ये हीरा होता है ना, ये हीरा होता है जो कि सबसे शुद्धतम रूप होता है, और अगर शुद्ध हीरा है तो अगर उसे आप स्पर्श भी कर लेंगे, आपके अगर जीव से स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आपकी कार्बनिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो बताइए कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या मौजूद रहेगा, तो भाई कार्बन मौजूद रहेगा, जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो ऑलरेडी मिलेगा ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है, ये बताइए जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, आपकी ऐसी कौन सी चीज है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ओजोन गैस। आपको पता है कि आपके समताप मंडल में, कहां पर समताप मंडल में आपकी ओजोन गैस आपकी पाई जाती है जो कि आपके सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए हो जाएगा। और इसके मापने की इकाई कितनी, मोटाई है कितनी, तो आपकी डॉप्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मायोपिया आंख के किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, मतलब मायोपिया दिया है, मायोपिया आंख किसके द्वारा, था किसी को अगर बीमारी है मायोपिया की है ना, मतलब कह सकते हैं कि आपके निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, और इसको जो ठीक करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि आपके अवतल लेंस का प्रयोग करिए तो आपके निकट दृष्टि दोष सही हो जाएगा, उसे ही हम लोग मायोपिया कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। पानी का भारीपन किस विलेयता के कारण होता है या किस विलेय के कारण होता है, तो चलिए यहां पर जवाब सही क्या बनेगा, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है, वन का जवाब देना है। चलिए वन का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम की वजह से या कैल्शियम की वजह से, क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम की वजह से, किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर उपस्थिति होती है, ऑप्शन इसका भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित करते हैं, ये बताइए जो टेप रिकॉर्डर होती है ना, टेप रिकॉर्डर होती है उसमें जो आपकी लेपित होता है क्या लेपित होता है, क्या बन जाएगा, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आपका आ रहा है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण आपका होता है, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है, जिसकी वजह से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, ये बताइए जो सोडियम धातु होती है इसे डुबोकर जो रखते हैं वो किसमें डुबोकर रखते हैं, जल में या एल्कोहल में या पेट्रोल में या केरोसिन में, तो यहाँ पर जो आप क्या बनेगा थ्री का डी नंबर केरोसिन में, मतलब आपकी जो गांव बोलते हैं मिट्टी का तेल है ना, इसे गांव बोलते हैं मिट्टी का तेल, इसे हम लोग केरोसिन के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग डुबो के रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्रिया ना हो पाए, क्योंकि सोडियम अगर पानी पड़ जाता है तो ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया कर लेता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा, यूरिया का नाम यहाँ पर आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर इथिलीन दिया है, क्लोरोथिन है, यहाँ पर कार्बामाइड, देखिए यूरिया का रासायनिक नाम भी होता है क्या, यहाँ पर सी कार्बामाइड भी बोलते हैं इसे, पर जो आप सी नंबर राइट हो जाएगा, तो नोट करिएगा एक नया नाम भी आपको देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, तो देखिएगा यहाँ पर फाइव का जवाब क्या बन जाएगा, वह तत्व जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्या कहलाता है, तो जवाब बताइएगा, तो देखो यहाँ पर काफी लोग जवाब हीलियम दे रहे हैं है ना, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे क्या होता है कि आपका दिया गया है कौन सा हुआ तत्व जो ऑक्सीजन से नहीं करता है क्रिया, तो देखा जाए तो आपके यहाँ पर क्लोरीन तो आपका होता ही होता है, ऑक्सीजन से कर ही लेता है ना, यहाँ पर आपका दिया कौन सा, आपका आयोडीन, आपका नाइट्रोजन, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ आपकी गलतियां हैं, शायद इसमें हो सकता है एक से अधिक आपके हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, अलग अलग इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर क्लोरीन मिलेगा, कहीं आयोडीन मिलेगा, कहीं आपको कुछ मिलेगा, भैया हमें तो पता है कि अगर आयोडीन आता जो नमक होता है, नमक जो आपका होता है अगर इसमें ऑक्सीजन मिलाई या हवा दी जाए तो इसका हो जाती है पानी बन जाता है, इसमें देखते हैं कि आपका क्या हो जाता है जमीन पर पानी वगैरह लग जाती है ना, और क्लोरीन आपको दिया गया है तो CaOCl2 आपके यहां पर दिया गया होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर स्किप कर देते हैं, आप लोग इस पर आपको लोग सर्च कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, यहां पर इस वाले में गलत बताने से अच्छा है कि आप लोग इसे सर्च जरूर करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सबसे हल्की गैस है, चलिए बताइएगा कौन सी हल्की गैस आपकी 6 नंबर में, चलिए हल्की गैस आपसे दिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनियम और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, तो देखिएगा यहां पर आपका नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर आपका हाइड्रोजन जो आपकी है
आपकी हल्की है ना। लेकिन अगर पूछे कि यूज किसको किया जाता है, तो हम लोग यूज किसका करते हैं, तो आपके नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं आपके किसी भी भरने के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या होती है, ये गैस जो आपकी होती है विस्फोटक होती है। पहले हम लोग वायुयान के जब टायर थे उनमें हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते थे हल्की की वजह से, लेकिन जब वो जो वायुयान है लैंडिंग करते थे तो अचानक क्या होते थे विस्फोट हो जाता था। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन हम नहीं भरते, नाइट्रोजन भरते हैं क्योंकि ठंडी आपकी होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। यहाँ पर बताइए मरकरी को किस धातु में रखते हैं, मरकरी को किस में रखते हैं, सेवन नंबर में। तो ये रखा जाता है लोहा में, किस में, लोहा में, क्योंकि अगर चीज में रखेंगे तो क्या कर लेगा, ये क्रिया कर लेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एरेनियम में से कौन जल से हल्का होता है, कौन जल से हल्का होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या आपका मैग्नीज, आठ नंबर में। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सोडियम है ना, कौन, सोडियम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम ये आपके जल से हल्का होता है, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस आपकी होती है, ये बताइए जो आपकी ट्यूबलाइट होती है ना, तो यहाँ पर ट्यूबलाइट आप चलती थी है ना, तो भैया उस ट्यूबलाइट में जो भरी जाती है वो क्या क्या भरी जाती है, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है, नाइन का ऑप्शन आ रहा है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ कह रहे हैं सोडियम वेपर होता है। चलिए कुछ लोग जवाब सी दे रहे हैं, तो याद रखिएगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आर्गन होती है जो कि एक निष्क्रिय गैस होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहते हैं किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट कौन सा, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वार्टज किससे बना होता है, जो आपके क्वार्टज होते हैं पत्थर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिकेट होता है, क्या, सिलिकेट होता है, तो इसका मतलब है कि सिलिकेट तो हम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, क्या, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। याद रखिए क्वार्टज जो बने होते हैं वो आपके सोडियम सिलिकेट से होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है, देखिएगा शुद्ध सोना होता है कितने, 24 कैरेट का, कितना, 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो सुनार लोग होते हैं वो चोरी कर लेते हैं ना, वो लोग उसमें मिला देते हैं, है ना, क्या मिला देते हैं, यहाँ पर 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर देखो किसमें से आपका जंग नहीं लगेगा जल्दी, जंग किसमें नहीं लगता, कॉपर में, तो ये लोग किसको, कॉपर को मिला देते हैं, और कॉपर मिला देने से इसमें क्या होती है, मजबूती आ जाती है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर, कॉपर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि वो बोलते 24 कैरेट है लेकिन कभी भी 24 कैरेट नहीं देते हैं, है ना। आपको जो बहुत ज्यादा संपर्क होंगे तब आपको 22 का देंगे, वो भी नहीं देंगे, 18 कैरेट का ही आपको सोना मिलता है, 18 कैरेट का, ठीक है। जो 22 कैरेट के होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं, जो आपके मेडल वगैरह मिलते हैं सोने के, जो आपके मेडल पाए जाते हैं वो आपके 22 कैरेट के आपके होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइएगा पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसका आविष्कार जो किया है ये किसने किया है, तो चलिए 13 का ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, चलिए 13 का ऑप्शन देना है 13 नंबर में, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका सी, मतलब आपके थे कौन, जोसेफ, कौन, जोसेफ, ऐसे याद रखिएगा, जो आपकी सीमेंट होती है, क्या, जो आपकी सीमेंट होती है ना, उसको जिस सेफ में आप लोग ढाल दोगे उसी सेफ में क्या हो जाती है, ढल जाती है, तो कैसे याद रहेगा, जोसेफ, जैसा सेफ दोगे वैसे ये क्या ढल जाएगी, तो जोसेफ अस्पादिन है ना, तो आपका सीमेंट जोसेफ, अब याद आपको रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है, तो चलिए सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए सबसे भारी धातु ओस्मियम है ना, कौन सी है, ओस्मियम है, इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये भी एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्याज एवं लहसुन में जो गंध होती है किसके कारण होती है, देखो हम डेली के डेली मॉडल पेपर में आपको हर प्रकार के, क्योंकि आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान में आपकी फिजिक्स भी आएगी और आपके यहाँ पर केमिस्ट्री भी आएगी और आपकी बायोलॉजी भी आएगी, डेली के डेली मॉडल पेपर में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते होंगे, कभी आपको साइंस के, साइंस में आपको केमिस्ट्री मिल रही है, कभी फिजिक्स मिले, कभी बायोलॉजी है ना, ताकि तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते चले। तो देखिए प्याज और लहसुन में जो आपकी गंध होती है किसके कारण होती है, यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, तो भाई सोडियम तो नहीं है, यहाँ पर पोटेशियम होता है, क्या होता है, पोटेशियम, यहाँ पर याद रखिएगा प्याज में होता है सल्फोनिक अम्ल, क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से आंखों में क्या होता है, रोना आता है, मतलब आंखों से क्या होते हैं, आंसू आते हैं सल्फोनिक अम्ल की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अगर आपसे हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत होता है क्या होता है, चलिए सल्फर होता है, यहाँ पर सल्फर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर देखो प्याज लहसुन में सल्फर होता है आपको पता है, लेकिन सल्फर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, वैसे आप सल्फर होता तो आप लोग सल्फर तुरंत लगा देते है ना, बल्कि सल्फर तो दिया नहीं है, तो सल्फर नहीं है तो पोटेशियम लगाइएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है, क्या, जो कच्चा तेल होता है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है, जो ये जो लाइटर होती है ना लाइटर, उस लाइटर में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, चलिए यहाँ पर आपका 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, किसका होता है, ब्यूटेन का होता है, ऑप्शन यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिरका किसका जली विलयन होता है, सिरका किसका जली विलयन होता है, तो भाई सिरका को पता है कि सिरका में आपका कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है ना, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण होता है, यहां पर 50% इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं, चलिए देख लेते हैं किसका जवाब आप लोग दे सकते हैं 19 नंबर में, 50% जवाब यहां पर गलत आएंगे और 50% यहां पर सही आ सकते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं राइट आंसर क्या बन सकता है, जल्दी से बताइए 19 नंबर में, 19 का जवाब देना है, 19 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बी नंबर आ रहा है एमल्सन, चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, कह रहे हैं आपके फोम होता है,
चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर जो इमल्शन होता है आपका क्या होता है, दूध का होता है ना, जो आपका दूध होता है दही जिसे बोलते हैं दही, वो इमल्शन के रूप में होता है दूध, है ना, दूध जो होता है इमल्शन होता है। लेकिन जो पनीर होता है एक जेल होता है, उदाहरण किसका, एक जेल का उदाहरण है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा 19 नंबर में, आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, जेल जिसे बोलते हैं। तो इसका जवाब बनेगा ए नंबर, ठीक है। इमल्शन जो आपका होता है वो दूध का होता है, ठीक है, दूध का होता है इमल्शन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर एस्टिक एसिड हो जाएगा, क्या एस्टिक एसिड हो जाएगा, बी नंबर एस्टिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेट्रोल एक मिश्रण होता है, पेट्रोल एक मिश्रण किसका होता है, अर्थात पेट्रोल में क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 21 में क्या होगा, तो देखो पेट्रोल एक जो मिश्रण होता है किसका होता है, एल्केन का होता है, एल्केन का होता है, एल्काइन का होता है, हाइड्रोकार्बन, तो आपके हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है, ब्यूटेन आपकी होती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पॉलीथीन जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, पॉलीथीन जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा 22 नंबर में। तो चलिए 22 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर पिक्री का रहा है 22 नंबर में। देखिए इसका जवाब का जवाब हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से, किसके, तो आपके एथिलीन के बहुलीकरण से आपकी पॉलीथीन प्राप्त की जाती है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। काफी लोग जवाब यहाँ पर बी दे रहे हैं, तो भाई बी नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है जो आपकी पॉलीथीन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जानते हैं, आपके मॉडल पेपर में देखने को मिलता होगा कि संश्लेषित रेशा जो कहते हैं किसे कहते हैं, संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं और किसे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेयान को, क्या, रेयान को, संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नायलॉन क्या है, तो नायलॉन क्या है, ये भी एक क्या है, तो आपका रेशा है, लेकिन कैसा रेशा होगा, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा 24 में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पॉलीएमाइड होता है, क्या, नायलॉन जो होता है ये पॉलीएमाइड होता है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर पॉलीएमाइड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो होता है क्या होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो होता है क्या होता है, काजल होता है, लकड़ी का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट होता है, यहाँ पर हीरा होता है, क्या हो जाएगा, तो चलिएगा यहाँ पर क्रिस्टलीय पूछा है ना, तो कार्बन का कौन हो जाए, हीरा, क्योंकि हमने बताया था जो आपका होता है वो आपका हीरा ही होता है, अर्थात डायमंड हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कांच किसका मिश्रण होता है, कांच किसका मिश्रण होता है, तो बताइए कांच में क्या क्या मिला होता है, किस चीज का मिश्रण होता है। देखिए कांच में आपका होता है क्या, सिलिका तो आपका होगा ही होगा, है ना, सिलिका तो होगा ही होगा, और आपकी बालू होगी, तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण ही क्या होता है, कांच का निर्माण करता है, तो ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, देखिए डायनामाइट जो कि विस्फोटक पदार्थ होता है ना, विस्फोटक पदार्थ होता है, और इसमें जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ट्राई नाइट्रोटाइलोन ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, ये आपने पढ़ा है ना, तो यहां पर जो आपका सी हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाने वाला आप कह सकते हैं, और सुन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बताइए ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इनमें से सभी, तो देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल आप जानते हैं, मतलब यहां पर देखा जाए तो 28 ऑप्शन क्या बन सकता है, यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो देखिए यहां पर नाइट्रिक अम्ल आपका दिया HNO3 होता है, HNO3 होता है, हाइड्रोक्रोमल होता है HCl, देखिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, काफी लोग जवाब यहां पर डी दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपको यहां पर ओ नंबर तो पहले मिल गया है, मतलब ऑक्सीजन तो इसमें ही मिल चुका है ना, फिर यहां पर दिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है वो इसमें भी है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र होता है HCl होता है ना, HCl होता है, और HCl में तो कोई आपका हाइड्रोजन मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 28 क्वेश्चन बन जाएगा सी नंबर, क्लियर हो गया ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर दिया है शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में से होता है, मतलब देख सकते हैं शौचालय में जो उपयोग किए जाते हैं, बोलते हैं हार्पिन, क्या बोलते हैं हार्पिन वगैरह जो भी दुनियादारी डाल देते हैं, है ना, तो उसमें से दुर्गंध वाले जो आपके होते हैं क्या होते हैं, तो यहां पर आपका जवाब होगा 29 नंबर में ऑप्शन बी, उनमें से बेंजीन होता है, क्या, तो यहां पर जो शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशक होते हैं उनमें से आपका बेंजीन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब देखो दो चीज आपके होते हैं, बेंजॉल होता है और आपका बेंजीन, तो आपको बेंजीन आपको जो पढ़ा है आपने वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन की गोली कर दीजिए कुछ भी करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, आपने कभी बिल्डिंग कराया होगा देखेंगे होंगे, तो यहां पर एक सिलेंडर भी रखा होता है ना, बिल्डिंग करने वाले के पास जब जाएंगे तो वहां पर आपको सिलेंडर रखे आपको मिलेंगे, है ना, और इन सिलेंडर में कौन कौन से आपके सिलेंडर होते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा 30 नंबर में आपका जवाब क्या होगा, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर तो होगा ही होगा, साथ में क्या होता है एसिटिलीन होता है, तो ऑक्सीजन तो कैसे सिलेंडर मिलेगा, और एसिटिलीन का जो लोग जो आपको होता है कार्बेट, तो कार्बेट के माध्यम से एसिटिलीन बना लेते हैं, तो ऑप्शन इसका जवाब होगा बी नंबर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का ही यहां पर उपयोग करते हैं बिल्डिंग में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ये बताइए पृथ्वी की प्रॉपर्टी में, है ना, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो आपका होता है सबसे ऊपर वाले भाग में, वो सबसे अधिक जो पाया जाता है तत्व कौन सा पाया जाता है, तो चलिए यहां पर 31 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपकी एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम जो आपकी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है, जो कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी में पाई जाती है, क्लियर है ना। चलिए अगर आपसे यहां पर एक होता ऑक्सीजन, तो भैया ऑक्सीजन भी तो आपका होता है, लेकिन वो पूछने का तरीका बदल देता। अगला क्वेश्चन दिया है अग्निशामन से निकलती है, ये बताइए जो आपके आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं ना, या आग बुझाने वाली जो आपकी गैसें होती हैं उनमें से क्या होता है जिस वजह से आपकी कैसे आपकी आग बुझ जाती है, यहां पर 32 नंबर में क्या बन जाएगा, ये बताइए कि जैसे आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करती है, ये जलाती है ना, जलाती है, और हाइड्रोजन क्या कर देता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन है, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मोनो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से अग्निशामक में प्रयोग करते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, और वो आसानी से कह सकते हैं बुझ जाती है, तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जो आप लोग ठंडा पीते हो ना, बड़े चाव से पीते हो ना, तो ये ठंडा में भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस वजह गैस भी आपकी होती है, क्या जल्दी से निकल भी जाती है, कभी कभी उपयोग में किया जाना चाहिए।
अगला दिया है कि रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं। देखिए कोई रबड़ होती है वो मजबूत की जाए और वो क्या हो उछाल हो, है ना, इसके लिए उसमें क्या मिला दिया जाए जिससे वो बॉल क्या हो ज्यादा उछाल के साथ जाए। तो यहाँ पर सही क्या बन जाएगा 33 में, यहाँ पर 33 ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके सल्फर को मिला देते हैं, किसे मिला देते हैं तो आपके सल्फर को मिला देते हैं। काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं स्पंज, और भैया अगर स्पंज बना देंगे, स्पंज मिला देंगे तो मजबूत नहीं होगी, है ना, वो क्या हो जाएगा डबल रोटी की तरह हो जाएगी, वो तुरंत फट जाएगी, है ना, तो स्पंज नहीं होती है। उसमें से सल्फर मिला देने से उसमें मजबूती आती है और इसमें से उछाल भी हो जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर सल्फर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का जवाब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जानते हैं, यहां पर जवाब दीजिए कच्चा एल्युमिनियम। तो देखिएगा कि आपको तो ये पता ही होगा, है ना, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं पाइराइट, लेकिन सोचने से पहले जवाब दीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि आपके जो अयस्क है ना एल्युमिनियम प्राप्त को किससे होता है, तो आपके बॉक्साइट से, तो ये होता है बॉक्साइट किसका अयस्क, तो आप लोग यही जवाब देते ना एल्युमिनियम का, तो वही चीज जो आपको कच्चा एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं खाया जाता है ना, एल्युमिनियम डायरेक्ट तो प्राप्त नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है जो डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज में मिक्स होती है, उसको भी निकाला जाता है अयस्क के माध्यम से, है ना, उसका संरक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बॉक्साइट जो है इसके एल्युमिनियम का है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, मतलब ये जो डब्ल्यू अक्षर आपका है ये किसके लिए आपको दर्शाएगा, मतलब इसका मतलब होता क्या है, तो ये डब्ल्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर होता है टंगस्टन, क्या टंगस्टन का प्रतीक होता है, जो डब्ल्यू होता है टंगस्टन का प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, जबरदस्त क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर सही देते हैं तो ये समझो कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 0.03 या 3%, जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर बताइए ये वाला ऑप्शन होगा या ए वाला होगा, ये वाला 3% होती है या 0.3 होती है या 0.03 होती है, कौन सा जवाब करेंगे। तो चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, अच्छा मतलब आप लोग बिल्कुल सही हैं और पूरे 100% श्योर हैं, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है 0.03। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, मानव शरीर की जो बृहत्तम कोशिका है वो आपकी कौन सी है, तो पहले प्रश्न का ही जवाब देना है और देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो चलिए काफी लोग पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं यकृत कोशिका, तो भैया यहाँ पर कोशिका नहीं है, यकृत जो आपका है कोशिका नहीं है ना, ये कोशिका नहीं है भाई, तो पहले आप लोग गलत हो गए, यहाँ पर सी नंबर में यकृत आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर होती क्या है स्नायु कोशिका, स्नायु मतलब होता है, स्नायु मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, स्नायु मतलब होता है तंत्रिका, क्या होता है तंत्रिका, तो आपकी बॉडी में जो आपकी जो पेट की रीढ़ होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, इसे बोलते हैं तंत्रिका। याद रखिए तंत्रिका कोशिका ये मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, ऑप्शन इसका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, वैद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है कौन सा नियम लागू होता है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका फैराडे का नियम, क्या होता है फैराडे का नियम होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आपकी किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन इकाई जो आपकी है किसकी इकाई है, तो चलिए यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया है। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर, तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए, सब लोग एक साथ जवाब देने का प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऊर्जा की, देखिएगा इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 3 नंबर में सी हो जाएगा, ये ऊर्जा की है या गति ऊर्जा की वह मात्रा भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है क्या होती है, पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है क्या होती है 4 नंबर में, तो देखिए पृष्ठ तनाव की बीमा होती है एम के घाते टी के घाते एम टी के घाते -2, है ना, कैसे होती है, तो यहाँ पर आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा एफ बराबर यहाँ पर टी इन एफ बराबर टी इंटू आपका एल होता है, ठीक है, जिसमें से आप अगर टी निकालेंगे तो एफ अपन क्या आ जाएगा एल आपका आ जाएगा, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू आपका ए होता है और एल तो आपका नीचे चल ही रहा है ना, तो आपका एम तो आपका एम रहेगा ही, है ना, इंटू आपको ए जो आपका होता है प्रस्तनाव होता है इसका जो होती है एल टी घाते -2 होता है, कितना एल टी घाते -2 होता है, नीचे एल दिया है एल से एल कट जाएगा तो आप निकल के आ जाएगा एम टी घाते -2, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक लकड़ी झूले पर लड़की यहाँ पर होना चाहिए, एक लड़की झूले पर झूल रही है यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर लकड़ी नहीं लड़की झूलेगी, है ना, तो एक लड़की झूले पर झूल रही है और इसमें से अगर वो खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो भाई आवर्तकाल के जो सूत्र आपका होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बनेगा तो क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपका जवाब कह रहे हैं बी नंबर घट जाएगा, तो बिल्कुल सही है घट जाएगा, है ना। और मान लीजिएगा कि इसी समय कोई लड़की और आती है और बैठ जाती है तो उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो आपका आवर्तकाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो, ठीक है ना, इसका मतलब इसका कारण ये होता है कि जिसका गुरुत्व केंद्र होता है वो क्या होता है छोटा हो जाता है, इस कारण से इसका घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, याद रखिएगा यहाँ पर आपके घर पे यूरिया वगैरह बोरी होंगी वहां पर लिखा होता है 46%, कितना, तो 46% ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कुत्ता में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है, कुत्ता में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 78 आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 78 आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पारिक का प्रतिरोध शून्य होता है कितने पर, पारिक का प्रतिरोध शून्य होता है कितने केल्विन पर होता है, कितने केल्विन पर, यहाँ पर केल्विन दिया गया
क्या है, तो यहाँ पर आपका आर का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर 4 केल्विन पर, कितना 4 केल्विन पर होता है, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा होगा 4.12 केल्विन है ना, 4.12 केल्विन आपका होता है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया है, मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल को कहते हैं क्या कहते हैं, मेथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर 9 ऑप्शन सी होगा, वुड एल्कोहल के नाम से जानते हैं, आईएमपी क्वेश्चन आपका है, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी करनी चाहिए, चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करना चाहिए, तो बताइएगा, अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि समय को दोगुना करने के लिए जो आपका होता है क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सी 4 गुनी होनी चाहिए, कितना यहाँ पर आपका 4 गुनी होना चाहिए, 4 गुनी होना चाहिए, 4 गुनी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए यहाँ पर बताइएगा कि वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, चलिए बताइए प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग होता है उसमें बढ़ता कितना है, कितना बढ़ जाएगा, याद रखिए अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो आपके कह सकते हैं ध्वनि में जो आपको वायु में ध्वनि का वेग होता है वो बढ़ जाता है कितना, तो 0.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाते हैं तो वायु में ध्वनि का वेग कितना हो जाता है, 0.6 मीटर पर सेकंड, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है मानक दाब क्या है, मानक दाब क्या है, यहाँ पर आपको पूछा गया मानक दाब क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर पारे का जो आपका होता है 760 मिलीमीटर, याद रखिए 760 मिलीमीटर आपको बताना है, सेंटीमीटर आपको नहीं बताना है ना, तो 12 ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, कि जो मानक दाब होता है पारे का 760 मिलीमीटर आपका होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो बताइएगा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो ये बताइएगा कि उसकी तरंगदैर्ध्य घट जाएगी या बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है जब वायु से जा रहा है किसमें कांच में तो हमेशा क्या होता है थोड़ा झुक जाता है, मतलब तरंगदैर्ध्य क्या होता है आपका घट जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, कि जब भी कोई प्रकाश वायु से जाता है और किसमें कोई भी चीज में चाहे पानी में कांच में तो क्या होता है घट जाता है, ठीक है, और कांच से अगर बाहर को निकलता है तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, यहां पर सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, आपके विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल से राइट दिया गया है। अगला दिया गया है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, 15 का जवाब देना है, 15 ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए जो ध्वनि होती है ये यात्रा करती है अंडाय तरंगों के रूप में, कैसे अंडाय तरंगों के रूप में यात्रा करती है जो आपकी ध्वनि होती है, अगर पूछे ध्वनि जो आपकी होती है चलती है कैसे, तो आपके अंडाय तरंग के रूप में आपके आगे बढ़ती है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, सोनार आपने नाम सुना होगा, सोनार एक विधि है ना, इसका उपयोग करते हैं किस प्रकार से और किसमें किया जाता है, 16 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है समुद्री यात्रियों के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है, समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार विधि का प्रयोग करते हैं, और समुद्र में कोई भी डूबी वस्तु आपकी होती है तो यहाँ पर सोनार के माध्यम से आपकी किरणें इसमें जाती हैं वापस टकराकर लौट आती हैं, तो आपके समुद्री यात्रियों के द्वारा इस विधि का प्रयोग करते हैं सोनार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या होता है, सूर्य में आपको पता है नाभिकीय ईंधन है ना, तो भाई नाभिकीय ईंधन का जो कार्य करता है सूर्य उसमें कौन सा करता है, यहाँ पर 17 जवाब देना है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा कण, तो जवाब क्या बनेगा, नाभिकीय ईंधन के रूप में यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर, चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर कह रहा है आपके हीलियम होता है जो कि आपके नाभिकीय ईंधन के रूप में आपका होता है, तो चलिए भाई यहाँ पर क्लियर बताइएगा कि इसमें से सही जवाब इनमें से क्या बनेगा, क्योंकि काफी लोगों के जवाब इनमें से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आ रहे हैं, चलिए बताइएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन इस्तेमाल की तरह होता है, मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन जो आपका होता है एक इस्तेमाल के रूप में होता है, तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो आपका बनेगा कौन सा बन सकता है, कुछ लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं और हमारे हिसाब से भी जवाब इसमें से सी ही आपको यहाँ पर बनना चाहिए है ना, सी नंबर ही आपको बनना चाहिए, क्योंकि नाभिकीय ईंधन है और नाभिकीय ईंधन के रूप में देखा जाए तो आपके सूर्य में जो उपस्थित आपका होता है तो आपका हीलियम और आपका क्या होता है आपका हाइड्रोजन, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन ही होगा ना, हाइड्रोजन ही होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही इसका होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा आपकी होती है हाइड्रोजन की होती है, हेलियम की मात्रा कम होती है, ठीक है ना, जैसे कि आपका 71% जो आपका होता है, मतलब 71% आपकी हाइड्रोजन होती है और 29% आपका हीलियम होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है ना, इसे याद रहेगा 71% जो आपकी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ऐसे याद रखने का तरीका सोचिए कि जैसे आपकी सबसे हल्की वायु कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी है, बोथ है लेकिन ऑप्शन अलग अलग दिए हैं ना, बोथ है लेकिन ऑप्शन अलग दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन, हाइड्रोजन, और अंतरिक्ष में या कह सकते हैं किसी भी ग्रह में सबसे ज्यादा आपकी हाइड्रोजन ही देखने को आपको मिलेगी है ना, तो ऑप्शन इसका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, फिर भी आप लोग इसे एक बार और चेक करिएगा है ना, इसे एक बार आप लोग और चेक करिएगा, ठीक है, बोथ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर जो आपका सी नंबर है वो आपका इसमें है, ठीक है ना, फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी चेक करके इसको कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है, चलिए यहां पर आपको जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी हो जाएगी, 18 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी नंबर,
तो चलिए भाई, यहाँ पर काफी लोग डी नंबर दे रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपकी अग्न्याशय होती है। क्या होती है? अग्न्याशय। यहाँ पर द्वितीय नंबर आपसे पूछा है, और अगर आपसे पहला पूछता, क्या अगर पहला पूछता तो हम लोग यहाँ पर यकृत कहते, लेकिन दूसरी आपकी कौन सी है? अग्न्याशय है। याद रखिए, अग्न्याशय से क्वेश्चन और बनता है, ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि में देखा जाए तो आपकी ये सबसे बड़ी हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान में देखा जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब डी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय नंबर की आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन ही आपका सही हुआ। ठीक है, क्योंकि सूर्य में परमाणु ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, जो लगातार अपनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करने वाला एक परमाणु संलयन क्रिया आपकी है। ठीक है, और परमाणु संलयन क्रिया से ही आपके हीलियम में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन से परिवर्तन आपके हीलियम में होता है, तो मेन आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट होगा। ठीक है, तो इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, और इसका जवाब डी नंबर हो जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होते हैं? मतलब आपकी जो आपकी आंख होती है, आंख में नेत्र गोलक आपका है, और इनमें से कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? चलिए, यहाँ पर 19 का जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 मांसपेशियों की जरूरत होती है। कितनी? तो 6 मांसपेशियों की जरूरत होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर, 6 आपका होता है। क्लियर है, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? चलिए बताइएगा, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? 20 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, 20 नंबर का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब बताना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर का। 20 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके हाइड्रोजन। याद रखिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान, क्योंकि आपको पता है 1H1, 1H2, 1H3 अर्थात ड्यूटेरियम वगैरह आपको सबसे ज्यादा किसे मिलते हैं? तो आपके हाइड्रोजन के मिलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, किस नंबर में? चलिए, 21 का जवाब देना है, क्या जवाब हो जाएगा? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपके इलेक्ट्रॉनों की हानि में। देखिएगा क्या होता है, कोई मान लीजिए कोई लोहा है ना, लोहा है मान लीजिए, और लोहे में जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? जंग लगती है, और जब जंग लगती है तो क्या होती है? उसका क्षरण होता है, अर्थात हानि होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अम्ल का स्वाद होता है कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है कैसा होता है? चलिए, 22 का जवाब देना है, 22 नंबर, अम्ल होता है कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है? खाएं कभी? तो देखिएगा, खट्टा होता है ना, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, जैसे आपका नींबू हो गया है ना, क्या होते हैं? खट्टे ही तो होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया, प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई है? 23 नंबर में। तो चलिए, यहाँ पर दूरी की आपकी इकाई होती है, किसकी होती है? दूरी की होती है। ऑप्शन आपका ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक जूल बराबर होता है किसके? एक जूल बराबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? ये आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, एक जूल बराबर 10^7 अर्ग। कितना होता है? 10^7 अर्ग होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। यहाँ पर बताइए क्या जवाब बन सकता है? क्या है कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो किस कारण से गोलाकार होती हैं? यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो आपकी गोलाकार आपकी हो जाती हैं। आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो गलनांक होता है क्या हो जाता है? चलिए बताइएगा कि जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बनेगा? तो चलिए, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? 27 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। देखो, जवाब यहाँ पर कह रहे हैं अपरिवर्तित होगा, कोई कह रहा है बढ़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया है, तरीका पूछ लिया है, क्या गलनांक पूछ लिया है ना। और ये बताइए, कोई बर्फ का टुकड़ा है ना, और अगर उसको ढक कर रख देते हो, ढकना मतलब होता है दाबी तो होता है ना, जब उसे ढक कर रख दोगे या बोरा रख दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो क्या ये जल्दी गलेगी कि धीरे गलेगी? ये जल्दी गल जाएगी, धीरे गलेगी। तो भैया गलनांक क्या हो जाएगा उसका? घट जाएगा, मतलब आप धीमे धीमे गलेगी। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, कि जब भी कभी बर्फ के टुकड़े को दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है, मतलब जो उसकी गलने की प्रक्रिया होती है धीमे हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए फाइबर, मतलब ऐसा कौन सा फाइबर है जिसमें से आग जो होती है वो बहुत धीरे धीरे आपकी फैलती है ना, यहाँ पर 28 नंबर में। तो देखिएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन से, तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 28 का ऑप्शन सी है ना। लेकिन आपको बता दें कि भैया, आप लोग जवाब देने में इतने लोग बिजी हो जाते हो, लेकिन सोचते समझते नहीं हो। नॉर्मल से देखा जाए तो आप लोग कपड़े पहनना क्या पसंद करोगे? तो आप कपड़ा पसंद करोगे सूती कपड़ा, क्योंकि अगर उसमें आग भी लग जाती है ना तो तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसमें आग लगती है, धीरे धीरे आपका होता है ना। लेकिन भैया नायलॉन में लगाओगे तो तुरंत आपका हो जाएगा। मान लो आपके मोजा है, अगर उसको आप आग में सेकोगे तुरंत नहीं समझ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, सूती कपड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो चलिए, आपका जवाब बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? चलिए बताइएगा, नॉन स्टिक रसोई की जो बर्तन होते हैं इनमें परत होती है किसकी? तो आपकी टेफ्लान की परत होती है। किसकी होती है? टेफ्लान की होती है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका देखिए, जो आपका सोना होता है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, इसको पहले भी हमने यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन
क्रिया है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल किसे कहते हैं और भारी जल क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात जिसे बोलते हैं D2O है ना, यहाँ पर एक आसवन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे कि क्या होता है कि अगर 6000 लीटर अगर आप क्या लेते हैं पानी लेते हैं, इसको वाष्पित किया जाता है और इसमें से हो सकता है आपको 60 लीटर ही बचे, तो इस प्रकार से बोलते हैं भारी जल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया लाफिंग गैस आपकी कौन सी है, लाफिंग गैस आपका दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाक आपको दिया गया है N हो जाएगा और आपके नाक में छिद्र होते हैं कितने, 2 होते हैं और नाक से लेते हैं आपके ऑक्सीजन, क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन आपका नंबर नाइट्रस ऑक्साइड आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो अब भी आपको याद रहेगा N से नाक, 2 से 2 छिद्र और O से ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है NaOH सूत्र कहलाने वाला जो यौगिक है कौन सा है, चलिए बताइएगा NaOH सूत्र वाले यौगिक का जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर NaOH किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके कास्टिक सोडा को, किसे कहते हैं कास्टिक सोडा को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, यहाँ पर 34 ऑप्शन देना है, 34 ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 34 ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर आपके निर्वात, याद रखिए निर्वात में ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है। सिंपल सा उदाहरण आपने सुना होगा पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर क्या होता है, एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती है ना, क्योंकि वहां पर निर्वात है, अर्थात कह सकते हैं वायुमंडल नहीं है, अगर वायुमंडल होता तो आसानी से वहां पर सुनाई देता सब कुछ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है आपसे पूछा गया है किसके माध्यम से, तो आपके केपलर के माध्यम से, किसे तो आपके केपलर के माध्यम से आपका होता है, लेकिन यहाँ पर केपलर आपको दिया नहीं गया है तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर अलग से आपको क्वेश्चन आपको नोट करना है, केपलर के माध्यम से ग्रहों की गति की गणना की जाती है, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन ऐसा आपका नहीं है, डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन यहाँ पर गैप किया गया केपलर, या देखिए कौन सा डेपलर केपलर, आप कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डेपलर प्रभाव, तो डेपलर प्रभाव होता क्या है, सबसे पहली बार डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब मान लीजिए आप क्या है कहीं यात्रा करने जाते हैं, आप क्या करते हैं स्टेशन में बहुत पहले पहुंच जाते हैं, क्या बहुत पहले आप पहुंच जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो ट्रेन यहाँ से आपकी आती है, क्या ट्रेन यहाँ से आपकी आती है तो आपको बहुत ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन यहाँ पर आपसे आगे निकल जाती है वो क्या होती है धीरे सुनाई देती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये जो डॉपलर दिया है ना, तो डॉपलर की जगह केपलर प्रभाव होना चाहिए था, ये डॉपलर की जगह केपलर का प्रयोग करना चाहिए था, क्लियर है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट है, डॉपलर की जगह क्या होना चाहिए केपलर आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य होता है क्या होता है, चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य होता है क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 36 नंबर में कि आपके हृदय से रक्त को लाना, क्या मानव शरीर में धमनियां क्या करती हैं, हृदय से रक्त को ले जाती हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर आपका 37 नंबर का हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई में, मतलब कोई भी आपका होता है तो आप देखते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसे आप रखते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैस शून्य आयतन घेर लें, इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर बता दिया है, आप सभी को बताया है ना, तो यहाँ पर जवाब बताइए क्या बन जाएगा, तो तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैस आपके शून्य आयतन घेर लेती हैं, यहाँ पर -273 जो कि आपके पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आपको मिला था है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, आपके एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो चलिए बताइएगा जवाब सही क्या हो जाएगा, चलो लॉक किया जाए जल्दी से बी नंबर को, चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरोटीन के कारण पीलापन होता है, याद रखिएगा जैसे आपका क्या होता है हल्दी में भी पीला होता है ना, वो कुकुरमिन के कारण होता है, ठीक है ना, जैसे आपके कोई पत्ता पीला हो जाता है वो भी कैरोटीन जैसे होगा, गाजर होती है ना एक वही में होता है, मतलब देखा जाए तो लेकिन पीलापन जो होता है लगभग यही कारण आपका हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि HIV की खोज किसने की थी, चलिए बताइएगा HIV की जो खोज किया किसने किया था, यहाँ पर जवाब 2 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर केसिन किसमें होता है, तो भाई केसिन होता है दूध में है ना, केसिन नमक जो होता है वो आपके दूध में होता है, और देखो केसिन और कह सकते हैं केरोटीन में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बस हमने बताया लगभग आपको उसमें पहुंचना है, ठीक है। चलिए बताइएगा HIV की खोज किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा लुक मॉन्टेनियर है ना, कौन लुक मॉन्टेनियर, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके पोटोमीटर किसका प्रयोग करते हैं, तो आपके पोटोमीटर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, मानव त्वचा में अब देखते हैं कि कोई मनुष्य गोरा होता है, कोई मनुष्य काला होता है ना, कोई मनुष्य आर्टिफिशियल तरीके से गोरा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है ना, क्योंकि प्रकृति ने जैसा बना दिया है वैसा ही वो रहेगा, तो याद रखिए कारण क्या होता है मेलेनिन, मतलब आपका होता है ऑप्शन आपका नंबर मेलेनिन नमक क्या होता है इसमें वर्णक होता है, जो कि ऑप्शन आपका नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा है ना, यहाँ पर जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना ज्यादा वो
काला होगा, है ना। जितना ज्यादा मेलानिन की मात्रा होगी उतना ज्यादा वो काला भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो किया वो किसने किया था। तो चलिए यहां पर सही जवाब क्या बनेगा, देखो डायलिसिस क्या होती है, जब आपके ब्लड सर्कुलेशन सही से कार्य नहीं करता है, अशुद्धि हो जाती है, तो किडनी के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। तो ये जो डायलिसिस मशीन होती है ये ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम तरीके से क्या करती है, जो रक्त होता है शुद्ध करता है। तो यहां पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर यहां पर आपका हो जाएगा, इसका आविष्कार किया था कोल्फ ने, किसने किया था कोल्फ ने, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका बन जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, तो यहां पर जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्या गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जरावीक सेकंड क्या है, देखिए जरावीक सेकंड ये आपका है क्या, ये है क्या एक आपका कृत्रिम हृदय है, क्या है जरावीक सेकंड जो आपका है क्या ये कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा क्या है कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी, 8 का जवाब देना है, और 8 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके 1967 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो चलिए बताइए डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग करते हैं, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, ये है साइकोरोमाइसीज, साइकोरोमाइसीज है यहाँ पर जो डबल रोटी में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है, जो आपका एचआईवी है ना, एचआईवी जो होता है ये आपकी कौन सी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा 10 नंबर में, तो जो टी कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देता है एचआईवी, है ना, एचआईवी जो आपका होता है वो आपकी टी कोशिकाओं को करता है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन जो होता है वो किसमें होता है, दोहरा निषेचन होता है जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, है ना, क्या जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें से दोहरा निषेचन होता है, राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की जो खोज किया था किसने किया था, अपने हाई स्कूल में अपने इंटर में इन शब्दों को अच्छे से पढ़ा है कि जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर 12 नंबर का जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर याद रखिए जीव द्रव्य की खोज किया था डुजार्डिन ने, किसने किया था डुजार्डिन ने किया था, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, चलिए यहां पर जवाब देना है, इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा क्या बन जाएगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी आपके 25 अप्रैल, कब तो आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो चलिए बताइएगा भोजपत्र, है ना, यहाँ पर पूछा गया है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है 14 नंबर में, तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 14 में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका बेटियुला, कौन सा आपका है, तो बेटियुला से आपका भोजपत्र आपका प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपसे म्यूटेशन वाद के जनक कौन है, म्यूटेशन वाद के जो जनक है वो आपके कौन है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, ये है ह्यूगो डी ब्रिज, क्या है ह्यूगो डी ब्रिज है, मतलब पौधों के उत्परिवर्तन सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था जो कि आपके ह्यूगो डी ब्रिज है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बोला जाता है उत्परिवर्तन, क्या उत्परिवर्तन आपको बोला जाता है, उसे बोल देते हैं म्यूटेशनवाद, क्या उत्परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशनवाद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो पिता कहते हैं किसे कहते हैं, पादप मतलब होता है क्या पौधा होता है, तो पौधे के शरीर क्रिया विज्ञान को जो पिता है वो आपके कौन है किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए स्टेफन हेल्स, कौन है आपके, तो स्टेफन हेल्स है, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला ये जो आपके हैं कौन, ग्रेगर, ये आपके मटर के पौधे में किए थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, कौन है आपके हेल्स होंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो चलिए बाकी जो आपकी हड्डियां होती हैं अस्थियां होती हैं इनमें जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही दे सकते हैं, यहाँ पर 17 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है कि इसमें ओसी नामक आपका प्रोटीन पाया जाता है, क्या इनमें से ओसी नामक आपका प्रोटीन पूछा गया, क्या पूछा गया प्रोटीन, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कवक विज्ञान के जनक आपके कौन है, कवक विज्ञान के जो जनक है वो आपके कौन है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं माइकेली होगा, क्या माइकेली बिल्कुल जवाब सही है, जवाब बिल्कुल सही है, 100% लॉक करते हैं, माइकेली को कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है, ऑप्शन यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है ये क्या होता है, देखो चना जो होता है उसे डाल दीजिए पानी में क्या हो जाता है फूल जाता है, अर्थात पानी को क्या कर देता है अवशोषित कर लेता है, और इसे कहा जाता है अंतःपरासरण, क्या बोलते हैं अंतःपरासरण कहते हैं, ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, शुगर बेबी जो प्रजाति है किसकी प्रजाति है, यहां पर जवाब देना है सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, और 20 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये तरबूज की प्रजाति होती है, किसकी होती है ये आपके तरबूज की प्रजाति होती है, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन सा है, अम्ल वर्षा जो आपकी दी है एसिडिक रेन, जो आपकी एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन मतलब कि कितनी बारिश होती है, है ना, मतलब क्या होता है कि जैसे वर्षा है हिम है ओला है सब पूरा है, इनमें सब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो इसका जो जवाब बनेगा 21 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए एसिडिक वर्षा दिया है तो डायरेक्ट दे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर जो आपका जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा क्या,
यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव, इसमें से क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जैसे कि आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं क्या, जैसे आपका SO2 हो गया, क्या SO2 हो गया, और ये क्या करता है कार्बन के साथ क्या कर देता है एक प्रकार का अम्ल बना लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे, कह रहा है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग हो जाता है, मतलब आपसे ये पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि जब ज्यादा सूर्य की किरणें आती हैं, है ना, जो सूर्य की ज्यादा अगर सामने डायरेक्ट किरणें आपको पड़ जाएंगे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएंगे त्वचा संबंधी बीमारी होंगी, और ये त्वचा कैसी होगी, कैंसर आपकी होगी, है ना। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर। इसलिए कहा जाता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपकी होती हैं वो पृथ्वी पर आने से पहले इनको गुजरना पड़ता है किसे, ओजोन छिद्र से। अगर ये ओजोन परत ना होती तो आपका ये वायुमंडल होता ही नहीं, है ना, वायुमंडल आपका होता ही नहीं। तो याद रखिए ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है ना। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बताइए भाई चर्म रोग जो पूछा गया किस विटामिन की कमी से होता है, 23 का जवाब देना है। और 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर विटामिन B6, याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग आपका हो जाता है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है यह बढ़ जाती है, चलिए बताइएगा कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है यह बढ़ जाती है। तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी ब्रोंकाइटिस, क्या यहाँ पर ऑप्शन सी है ब्रोंकाइटिस। अब आपके दिमाग में एक चीज आया हो ब्रोंकाइटिस वाला एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना, मतलब क्या होता है गले से संबंधित आपकी होती है, इसमें से सांस वगैरह आने लगती है, क्या आती है सांस आती है। आप अगर गाँव से अगर किसी सिटी में प्रवेश करोगे तो याद रखेगा कि वहाँ पर सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, क्योंकि गाड़ियों से जो निकलता है धुआं वो भी आपके यहाँ पर क्या होता है दिक्कत करता है ना। तो यहाँ पर उस बीमारी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, क्या ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं, चलिए बताइएगा 25 नंबर में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित किया जाता है। तो आजकल देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं मनुष्यों के साथ साथ आपके जो पशु हैं उनमें भी ये परिवर्तन देखने को मिला है बांझपन, ऐसा कारण ये होता है कि जो आपका प्रकृति है इसमें से सब चीज क्या हो गया है नेचुरल हो गया है, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से आर्टिफिशियल हो गया है। इसका कारण है कि खाद पानी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 25 का ऑप्शन क्या बन जाएगा सी नंबर, द्रव नाइट्रोजन में करते हैं, किसमें द्रव नाइट्रोजन में, ताकि वो खराब ना हो सके, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है क्या सही हो जाएगा, देखिएगा कह रहा है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी होती है टीवी, है ना, क्या होती है टीवी होती है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आपके देखा होगा जिसकी टीवी होती है तो कहा जाता है यहाँ पर मत थूको, है ना, क्या बोलता है यहाँ पर मत थूको, नहीं उसके भी ये पहुंच सकता है, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो यहाँ पर 27 ऑप्शन बनेगा बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, किसमें, जड़ की जो शीर्ष कोशिकाएं होती है इनमें समसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, और इसको तो हमने काफी बार पढ़ाया भी है, बताइएगा सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, यहाँ पर 28 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी, क्या होता है हर्पेटोलॉजी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हर्पेटोलॉजी कहते हैं सरीसृप के अध्ययन को। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है क्या हो जाएगा, चलिए बाद में देख लीजिएगा अगर समस्या आ रही है ना, दवा वगैरह कर लीजिए, चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो 39 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका ए नंबर, यहाँ पर आपका विटामिन ए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका विटामिन आपका जो ए है आपका जवाब राइट हो जाएगा, विटामिन ए आपका भंडारित रहता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, बताइए यहाँ पर आपकी खेती दी गई है और बताइएगा सबसे कम जो आवश्यकता होती है पानी की वो किसे होती है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी करें खजूर को होती है, क्लियर है पूरी तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि खजूर जो होता है एक ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में भी आपका हो सकता है पत्तियां छोटी होने की वजह से, है ना। तो यहाँ पर खजूर जो आपका इसमें पानी की आवश्यकता आपकी कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, तो चलिए यहाँ पर बताना है 31 नंबर में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील होता है, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्ब्यूमिन, क्या एल्ब्यूमिन जो आपका प्रोटीन है ये जल में क्या होता है घुलनशील होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर इसका ही राइट हो जाएगा, क्लियर है इतना पॉइंट भी। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो चलिए यहाँ पर 32 का जवाब दीजिए, 32 नंबर में आपका जवाब सही क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए नेत्रदान में पूरी आंख निकाल कर नहीं दी जाती है ना, आंख पूरी निकाल के नहीं दी जाती है, क्या दी जाती है कॉर्निया दी जाती है, मतलब क्या कॉर्निया, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है आपसे पूछा गया है, वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए साथ साथ में, है ना, सब कुछ कार्य साथ में करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर भी करते रहिए और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए साथ में और पढ़ते भी जाइए। तो चलिए बताइएगा कोबाल्ट दिया गया है, कोबाल्ट होता है किसमें, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका B12 में होता है, अर्थात विटामिन B12 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है,
है। तो चलिए बताइएगा, हृदय की गति की जो जांच होती है किस यंत्र के द्वारा करते हैं? ये डॉक्टर के पास तो हमेशा मिलेगा, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियोग्राम बोल देते हैं, क्योंकि कार्डियो मतलब हो जाता है हृदय, है ना, कार्डियो मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर आपका हृदय बोलते हैं, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कपास प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? चलिए 35 नंबर का जवाब देना है, कपास जो प्राप्त होता है किससे होता है, फल से, बीज से, कलिका से या जड़ से? अगर आपने पौधा देखा है तो 100% आप जवाब दे सकते हैं कि जो कपास होता है किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो चलिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखिए आपको बता दें कि कैसे प्राप्त होता है, एक आपका होता है फल होता है, और इस फल में क्या होता है, इस फल के अंदर आपके होते हैं बीज होते हैं, इसी में क्या होते हैं रेशे प्राप्त होते हैं, रेशे, उन्हीं रेशे में चिपके होते हैं बीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्राप्त होता है किसे, बीज से प्राप्त होता है, किसे, ये बीज से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है 36 नंबर में? तो यहाँ पर आपका होता है क्या, वृषण में होता है, कहाँ पर होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है या आपकी कौन सी इकाई है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, याद रखिएगा कि कोशिका, कौन सी, जो आपकी कोशिका होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, कोशिका होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो ये बताइएगा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में, कौन सा भाग होता है, योग होता है, योग मतलब होता है पीला भाग, सेल और आपका एल्बुमिन, या कोई नहीं, कौन सा बनेगा। तो चलिए 38 जवाब यहाँ पर आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं, एल को होगा, ये कह सकते कुछ कह रहे हैं सेल होता है। तो देखो यहाँ पर योग मतलब होता है कौन, ये जो पीला वाला भाग होता है उसे बोलते हैं, और आपको पता है कि जो जिम करते हैं, है ना, जिम करते हैं वो क्या करते हैं, पीला वाला भाग निकाल देते हैं, है ना, क्या करते हैं, पीला वाला भाग निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि निकालते क्यों है, क्योंकि दिक्कत करेगा, फैट को बढ़ा देगा, तो इसमें भाई विटामिन प्रोटीन नहीं होती है, होती किसमें है, एल्ब्यूमिन में होती है। एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं, एल्ब्यूमिन जो होता है सफेद वाला जो भाग होता है, क्या, जो सफेद वाला भाग होता है उसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन कहते हैं, है ना, और इसी में क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो चाहे वो खा सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर राइट होगा। हम उदाहरण इसलिए दे रहे थे जिम वालों को, क्योंकि वो क्या करते हैं, पीले वाले भाग को निकाल देते हैं ना, उससे बॉडी को नुकसान भी होता है, गर्मी भी आपकी बढ़ जाती है, है ना, गर्मी बढ़ने के साथ साथ और भी समस्याएं होती हैं। तो यहां पर याद रखिए सी नंबर हो जाएगा, एल्बुमिन अर्थात सफेद वाला भाग होता है, इसमें आपकी प्रोटीन होती है, जो कि हर एक जिम वाला को खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे होती है, तो चलिए यहां पर जवाब सही क्या बन जाएगा, यार आपसे मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 39 को ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो देखो हम आपको बता दें कि सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये आपकी होती है कार्बोहाइड्रेट से, किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन आप बताइए, पुष्प किसका रूपांतरण है, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका प्रांकुर, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर, पुष्प जो रूपांतरण होता है ये प्रांकुर का होता है, किसका होता है, प्रांकुर का होता है, इसका जवाब जो बनेगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुष्प दिया गया है, ना कि यहाँ पर बोला गया बीज, है ना, यहाँ पर पुष्प दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा एलिजा परीक्षण जो होता है किसके लिए होता है, कौन से रोग को पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है, तो चलिए 2 को ऑप्शन देना है, और 2 के ऑप्शन यहाँ पर भी काफी लोगों के आ रहे हैं, कह रहे हैं एड्स के परीक्षण के लिए, तो बिल्कुल जवाब सही है कि एड्स परीक्षण के लिए, याद रखिएगा कि एलिजा टेस्ट किया जाता है, और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, चलिए बताइएगा कि पुष्पों के खिलने के लिए, खिलने या बंद होने की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुकुंचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकुंचन बोलते हैं, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुकुंचन। कभी-कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि फूलने के लिए कौन सा उसमें प्रोटीन जरूरत होता है, तो उसमें से कह सकते हैं फूल से होता है फ्लोरिंजमिन, है ना, क्या होता है फ्लोरिंजे, ऐसे नाम होता है, तो आपको इसी प्रकार से याद भी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो वहां पर बताना है भाई दाढ़ी मूंछें देखते हैं कि आपके पुरुषों की तो निकलती है, कभी कभी क्या होता है औरतों की भी निकल आती है, ना कई जगह आपने देखा होगा कि औरतों की भी दाढ़ी मूंछें आपकी होती है, तो ये बताइए ऐसा कौन सा आपका हार्मोन होता है जिसकी वजह से निकलते हैं, यहां पर याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही दाढ़ी मूंछें निकल आती है, याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, चलिए जवाब देते रहिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ठीक है। और पहली बार जुड़े हैं तो शेयर का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक भी बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, 5 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपके विटामिन बी12 की वजह से, याद रखिएगा लकवा जो होता है किस वजह से, तो विटामिन बी12 की कमी से लकवा आपका हो जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण जो बाल है क्यों झड़ते हैं, यहाँ पर जवाब देना है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 6 नंबर में, और 6 का यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर विटामिन B3, याद रखिएगा कि बॉडी में अगर विटामिन B3 की कमी है तो आपके बाल क्या होते हैं, सुंदर सुंदर बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। फिर नई नई प्रकार की विधियां आप लोग अपनाते हैं लेकिन विधियां काम नहीं करती हैं, याद रखिए विटामिन सी जो आपके खाते रहिए बाल चमकते रहेंगे, और विटामिन B3 का प्रयोग जरूर करते रहिए जिससे बाल आपके झड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर 7 नंबर जवाब देना है, तो याद रखिए रक्त बनता है कहाँ पर, तो जो आपकी हड्डी होती है ना, हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो होता है ना वही आपका अस्थिमज्जा बोलते हैं, जो गेहूं के कलर में होता है, तो इसी अस्थिमज्जे में ही लाल रक्त कण का उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी,
तो आर्क ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके बी नंबर, यहाँ पर डी वी डुवे, क्या है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी डुवे। डी डुवे ने किया था 1955 में, कब 1955 में लगभग किया था, 1955 58 करिएगा, 1958 में डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज किया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मक्का पौधों में परागण होता है। देखो मक्का का जो पौधा होता है उसमें परागण होता है, कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, तो बताइएगा किसके माध्यम से हो जाएगा। तो याद रखिएगा नाइन का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नाइन का डी, वायु द्वारा होता है, किसके वायु द्वारा होता है, मक्का पौधे में परागण होता है वायु द्वारा, लगभग देखा जाए तो इसी प्रक्रिया में होते हैं और बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा होता है, लेकिन मक्का पौधों में क्या होता है, वायु द्वारा परागण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कैरोटीन मुख्य भाग आपका है, कैरोटीन मुख्य भाग होता है किसका होता है, चलिए 10 का जवाब देना है और 10 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, क्या विटामिन ए आपका हो जाता है, कैरोटीन का मुख्य भाग होता है विटामिन ए, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कोशिका विभाजन में सहायक होती है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है, यहां पर जवाब देना है 11 नंबर में, तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होती है कौन, तो सेंट्रोसोम, क्या सेंट्रोसोम की उपस्थिति कारण ही कोशिका विभाजन आपका होता है, मतलब कोशिका विभाजन में जो सहायक हो जाती है क्या सेंट्रोसोम होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पाचन में सहायक होता है, आपके पाचन में सहायक होता है क्या होता है भाई, पाचन में क्या सहायक होता है, पित्त रस होता है, जठर रस होता है, अग्न्याशिक रस होता है, या इनमें से कह सकते हैं सभी, क्या जवाब बनेगा, तो याद रखिएगा कि पाचन क्रिया में आपके पित्त रस की भी जरूरत पड़ती है ना, आपके जठर रस की भी जरूरत पड़ती है, आपके अग्न्याशय रस की भी जरूरत पड़ती है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा इनमें से सभी की जरूरत पड़ती है पाचन की क्रिया में, पाचन की स्टार्टिंग आपकी मुख से हो जाती है, याद रखिए ये पाचन की जो स्टार्टिंग होती है आपके मुख से हो जाती है और अधिकांश पाचन होता है आपकी बड़ी आंत में होता है, सॉरी छोटी आंत में, सबसे ज्यादा पाचन का होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, देखो ये दिया है पित्त का जो निर्माण होता है ये कहां पर होता है, तो यहां पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा पित्त का निर्माण होता है यकृत में, कहां पर आपके सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन संचित कहां होता है, ये निकल कर आता है और संचित कहां पर होता है, तो आपके याद रखिए पित्ताशय में, कहां पर, तो आपके पित्ताशय में क्या होता है संचित हो जाता है, निकलता यकृत से है लेकिन संचित कहां होता है आपके पित्ताशय में संचित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लिपिड है, लिपिड का नाम आपने सुना होगा, लिपिड क्या होता है, तो लिपिड भी क्या होता है एक प्रकार का अम्ल ही होता है, क्या होता है लिपिड भी क्या होता है, तो आप यहां पर अम्ल होता है, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है, देखिए कैंसर का उपयोग, कैंसर का इलाज के लिए किस ड्रग का उपयोग करते हैं, तो चलिए यहां पर 15 का जवाब देना है और याद रखिएगा एक दवा दी जाती है, कौन सी दवा, THS, ये तो आप कह सकते हैं गलित से संबंधित होती है ना, इंसुलिन भी नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरफेरन, याद रखिएगा कैंसर के इलाज के लिए एक ड्रग होती है इंटरफेरन नामक ड्रग का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या लेजर की खोज किसने की थी, चलिए बताइएगा लेजर की खोज किसने की थी, चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है लेजर का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ये थे आपके मेमे हैं, कौन थे यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपके मेमे थे, कौन मेमे, इन्हें कहा जाता है थियोडोर मेमेन, क्या बोलते हैं इनका पूरा नाम क्या है थियोडोर मेमेन, ये इनका पूरा नाम था, कहीं पर मेमे मिलेगा कहीं कहीं पर मेमेन होता है, वैसे आपका जो मुख्य नाम मिलेगा मेमेन ही मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, किडनी का प्रत्यारोपण जो किया था किसने किया था, यहाँ पर सही जवाब देना है 17 नंबर में, याद रखिएगा यहाँ पर आपका लुइस नहीं है, मेमे नहीं है, आपके जोसेफ मुरे, क्या है किडनी का प्रत्यारोपण जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपके जोसेफ मुरे ने, ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, ईईजी का आविष्कार किसने किया था, ईईजी का आविष्कार याद रखिएगा ये एक मनोवैज्ञानिक, मतलब सकते हैं मनोचिकित्सक आपके थे, और ये है आपके कौन, तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये है आपके हॉर्स बर्गर, क्या हॉर्स बर्गर, या कभी कभी हैंस बर्गर भी इन्हें कहा जाता है, और इसका जो विकास हुआ था आपके 1924 में, कब 1924 में ईईजी का यहाँ पर प्रयोग आविष्कार हुआ था, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, चलिए बताइएगा भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं सी नंबर, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी नहीं होगा, आपका डी होगा 1986 में, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सुनीत नाम की कोई थी, उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, चेचक आपसे पूछा गया, चेचक की बीमारी थी कब से समाप्त हुई आपसे पूछा है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, यहाँ पर 20 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1975 में, कब भैया 1975 में, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस टीके की खोज किसने किया था, तो आपके एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि चेचक की टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज किया था, एक क्लियर है, आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अगर आपसे फ्लू किसके द्वारा होता है, फ्लू किसके द्वारा होता है आपसे पूछा गया है, और आपका यहाँ पर 21 नंबर में आपको बनेगा क्या, तो विषाणु के द्वारा, तभी देखते हैं कि जो आपकी बीमारी है बहुत ही जल्दी फैल जाती है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए नंबर विषाणु के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट करिएगा, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है,
यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेरेब्रम, देखो बिल्कुल सही है, 22 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। सेरेब्रम जो आपका है ये सबसे बड़ा आपका हिस्सा होता है, यह अपने मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा होता है, सेरेब्रम ही होता है जो सोचने वाला हिस्सा होता है, साथ में अपनी जो आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियां होता है उनको नियंत्रित करता है कौन, तो आपका सेरेब्रम ही करता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मांस अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है, मांस अंडा जो दूध है इनमें क्या होता है, कौन से होते हैं, इसमें क्या चीज पाई जाती है, यहाँ पर याद रखिए प्रोटीन का है ना, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मांस अंडा और आपका दूध, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, यहाँ पर जवाब देना है कुल संख्या जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, लेकिन यहाँ पर पसलियों की संख्या पूछा है इसका मतलब 12 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी मतलब क्या हुआ, तो आपका 24 इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्या यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 24, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पर याद रखिए 12 जोड़ी होते हैं और 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है, चलिए विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, 25 का ऑप्शन यहां पर आपका जवाब आ रहा है 21 मार्च, जवाब सही है बिल्कुल है, हम लॉक कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है, पहला इसका जवाब हो जाएगा 21 मार्च को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस आपका मनाया जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ल्यूकोमेनिया किसके कारण होता है, ल्यूकेमेनिया किसके कारण होता है, देखिए ल्यूकेमेनिया को हम लोग एक नाम और देते हैं रक्त कैंसर, क्या बोलते हैं इसे, रक्त कैंसर का नाम दिया जाता है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ही रक्त कैंसर होने लगता है, अगर आपकी बॉडी में जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो याद रखिए ये आपका रोग हो जाता है, मतलब यहां पर 26 का ऑप्शन बनेगा यहां पर डी आपका SR90, ये आपका इसका कारण होता है, ल्यूकेमेनिया का मुख्य कारण आपका होता है कौन, डी नंबर आपका हो जाएगा, या इसे हम लोग बोल देते हैं छर्रे बोला जाता है, क्या छर्रे के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा अब आप ये भी समझ गए हैं ये रक्त कैंसर क्या होता है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती जाती है तो समझिए कि आपका ये आपकी रक्त कैंसर हो सकता है या ल्यूकेमिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जो हृदय रोगी होते हैं है ना, हृदय रोगी होते हैं इन्हें क्या नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन वसा विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखिएगा कि जो हृदय रोगी होते हैं इनको वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, वसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फैट वाली जो चीजें होती हैं इनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए, ना मात्र में करना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर छोटा सा छोटा बच्चा भी इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, 28 का ऑप्शन देना है, 28 का जवाब देना है, याद रखिए कुल दांत जो होते हैं वो तो आपके 32 होते ही होते हैं है ना, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो आपके 20 होते हैं, क्या 20 होते हैं दूध के दांत, जो कि एक बार निकलते हैं और दोबारा टूटकर फिर से इनका निर्माण होता है, तो याद रखिए इनका विकास दो बार आपका होता है, और जो आपके दांत होते हैं याद रखिए वो एक बार टूट गए तो आपके खत्म हो जाएंगे है ना। चलिए काफी लोगों के पास 28 दांत होंगे, किसी के पास 30 होंगे, और यहां पर 32 दांत किसी के होंगे जिसके पास अकल दांत होगी, मतलब 28 के बाद चार ही निकलेंगे, ऊपर वाले जो दो और नीचे जो आपके दो है ना उसे अकल दांत बोलते हैं। चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है, कह रहा है यहां पर इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, यहां पर जवाब देना है 29 का ऑप्शन यहां पर लॉक हो जाएगा बी नंबर, आपके डलिया की जड़ों से, किसे डलिया की जड़ों से होता है, याद रखिए किससे प्राप्त होता है, तो डलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिए सबसे पहले वो भाइन इंसुलिन बैलों के अग्न्याशय से प्राप्त किया गया था, किसे सबसे पहले बैलों के अग्न्याशय से प्राप्त किया गया था इंसुलिन, ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब जो इस समय देखा जाए, इस समय जो होता है वो देखा जाए तो आपके बैलों और सूअरों की बड़ी मात्रा में मारकर इंसुलिन का निर्माण होता है, मतलब देखा जाए मानव इंसुलिन बनाने में यहां पर सकते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसुलिन होती है बैल और आपकी कह सकते हैं जो आपके सूअर होते हैं उनको मारकर कह सकते हैं बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, चलिए बताइएगा निषेचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है, अंडग्रंथ में होती है, गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है, या योनि मार्ग में होता है। चलिए 30 का ऑप्शन जवाब देना है, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन जवाब बनेगा यहाँ पर सी अंडवाहिनी में होता है, याद रखिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर, तो आपके अंडवाहिनी में होता है, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व है आपका कौन सा है, तो चलिए देखो चार तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, चार तत्व में कौन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन और आपके नाइट्रोजन, इनमें से सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन आ रहा है डी आपकी ऑक्सीजन, तो जवाब बिल्कुल सही है, हम लॉक करते हैं आपके ऑप्शन को, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी सबसे ज्यादा होती है, की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो होती है कहां पर होती है, इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा ठीक है ना। यहां पर 33 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके मूत्र में होता है, यूरिया का निर्माण कहां पर, तो आपके मूत्र में होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, यहीं पर तो यूरिया होती है और कहीं होता है क्या, पसीने में थोड़ा होती है, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे मिलते हैं किसे मिलते हैं, हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कपास के रेशे अर्थात कपास जो प्राप्त होता है आपके बीज से प्राप्त होता है, अर्थात सीड से आपका होता है, यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, पत्तियों से नहीं होता है बीज से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि अगला क्वेश्चन आपका दिया है बिल्कुल सही दिया गया है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है,
कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, विटामिन डी दिया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका 35 क्वेश्चन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी, मतलब विटामिन डी अंडे में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और आपकी जो मांस होता है, मांस को जब पकाते हैं तब विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता, अर्थात मांस को अगर आप पका दें, मांस को अगर आप पका देते हैं तो याद रखिए उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव मूत्र में समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। चलिए बताइएगा, मानव मूत्र से समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। 36 क्वेश्चन देना है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया है, 36 क्वेश्चन सी दे रहे हैं, विटामिन सी। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, विटामिन सी हो जाएगा, कि किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो आपकी विटामिन सी इसका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है, यहाँ पर बताना है पेप्सिन बदलता है ये किसको किसमें बदल देता है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग 37 में दे रहे हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, क्या याद रखिए, जो आपके पेप्सिन होता है ये आपके प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वसा को दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, दूध में जो प्रोटीन होती है वो आपकी कौन सी होती है। इसके पहले भी लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला भी था और आज फिर से क्वेश्चन आपको मिल चुका है। तो चलिए 38 क्वेश्चन लॉक करना है, याद रखिएगा कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो आपकी कैसीन होती है, क्या कैसीन नामक आपकी प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर गाय के दूध में पीलापन होता है, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैसीन होता है, वो कैरोटीन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जहरीली पदार्थों को जाता है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है क्या कहते हैं। चलिए यहां पर 39 का जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। 39 क्वेश्चन आ रहा है, टॉक्सिन हार्मोन्स, क्या बोला जाता है ना, आपने यहाँ पर YouTube में देखा होगा, YouTube में यहाँ पर देखा होगा, कई ऐसे चैनल है जो सांप वाले चैनल है और वो बताते हैं कि इसके जो कोबरा है ना, तो इसके क्या होते हैं, कोबरा हो गया कोई भी, तो उसमें टॉक्सिन कह सकते हैं, जहर होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर टॉक्सिन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीन है आपका, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या होता है एक प्रकार का, ये होता है आपका हार्मोन्स होता है। ऑक्सीन क्या होता है, हार्मोन्स होता है। और याद रखिए कि ऑक्सीन आपका जो आपका एक हार्मोन्स है जिसे हम लोग प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं, क्या इसे प्यार वाला, जिसे आपसे आपको होता है ना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपका है, इसे प्यार वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। गायों या भैंसों या जानवरों को दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामक क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, बताइएगा। एक शाकाहारी व्यक्ति, देखो मांसाहारी होते हैं कुछ भी पा जाते हैं, कहीं से भी खा लेते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो शाकाहारी होती है उनको फास्फोरस कहाँ से मिलता है, उनकी हड्डी की मजबूती कहाँ से आएगी। यहाँ पर टू का जवाब देना है, याद रखिए दूध से, इसलिए दूध को खाना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बी सी जी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, ये बताइए। बी सी का जो टीका होता है वो किसके लिए दिया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए आपके ट्यूबरक्लोसिस था टीबी के लिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आपसे एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर एक बीमारी दी गई है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। ये बीमारी जो संबंधित है किससे है, तो हमने आपको बताया था ये समस्या होती है आपकी आंख से, किससे संबंधित है, तो आपके आंखों से संबंधित आपकी बीमारी है, जो कि कार्निया अर्थात आंखों की सबसे बाहरी पर जो सतह होती है उसकी आकृति में गड़बड़ी होने लगती है, जिन्हें एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। उनका लेंस या कार्निया का जो कर्व होता है वो घुमाव अनियमित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं, हमारे बॉडी में जो संरक्षात्मक है, रक्षा करते हैं आपकी बॉडी में, यहाँ पर आपके कौन से पदार्थ इनमें से कौन मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए विटामिन और खनिज, ये हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, याद रखिएगा। और चीज तो खाते हैं, मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, सब कुछ होते हैं, है ना, लेकिन बॉडी को रक्षात्मक प्रदान करते हैं कौन, तो आपके विटामिन और आपके खनिज ये प्रदान करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, किस प्रकार के कण को विक्षेपित करता है, याद रखिएगा। ये जो विक्षेपित करता है एक अल्फा और बीटा कणों को, कैसे, एक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अल्फा और बीटा कणों को विक्षेपित करता है। राइट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैथोड किरणों को जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होती है, जो कि विक्षेपित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न का जवाब हमें 100% चाहिए, हर एक व्यक्ति से चाहिए इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल से सही कर दे, है ना। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका विटामिन सी हो जाएगा, आपका विटामिन सी होता है जिसे घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। ये सभी का जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। काफी लोग जवाब यहाँ पर ए भी दे रहे हैं, क्या बात है भाई, सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं डी दे, अरे विटामिन डी मतलब कह सकते हैं ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन विटामिन सी सही होगा, समझ रहे हैं हमारी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, मतलब विटामिन डी जो सॉरी मतलब ऑप्शन डी सही है और विटामिन सी, क्या ऑप्शन डी सही है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। हमारी लैंग्वेज को समझिए, हमने साइंस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा बोल दिया है, ठीक है, समझ गया ना, इसका सी जवाब हो जाएगा, मतलब विटामिन सी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये बताइए, सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होती है वो कौन से कीड़ों की होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है जो गामा किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है,
सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? यहाँ पर आपका 9 का ऑप्शन देना है, 9 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखो देखिएगा वहाँ पर आपका होता है हाइड्रोजन का संलयन। हमने आपको बताया था कि आपका हाइड्रोजन जो आपका होता है सबसे ज्यादा होता है और हीलियम आप कह सकते हैं कम होती है। याद रखिए जो आपका कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ही आपका मेन होता है ऊर्जा का स्रोत, तो हाइड्रोजन का क्या होता है संलयन, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्ति होती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है? बताइए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चलिए बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी। याद देखिए ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है, क्या ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है? यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा हमने कल भी आपको बताया था है ना कि जो दस्त होते हैं उल्टियां होती हैं वो दूषित पानी से पीने से होती हैं। दूषित पानी पियेंगे तो दस्त उल्टियां वगैरह आपको आएंगी, कोई समस्या में नहीं है, उल्टियां वगैरह आती रहेंगी, है ना? समझ में आ गया ना? तो समस्या तो आई है, जब बॉडी में सबसे बड़ी समस्या है तो इसलिए दूषित पानी ना पिए, शुद्ध पानी पिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग शीघ्रतापूर्वक दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? चलिए बताइएगा, याद रखिएगा इसे हम लोग कांच बिंद रोग कहते हैं। याद रखिए इसे हम ग्लूकोमा को बोलते हैं कांच बिंद रोग। क्या बोलते हैं? एक नया नाम आप सुनिएगा, कांच बिंदु रोग बोलते हैं, बिंदु रोग बोलते हैं। जो ग्लूकोमा है ये एक इंग्लिश वर्ड है अर्थात अंग्रेजी वर्ड आपका है, या इसे काला मोतिया नेत्र कहा जाता है, या इसे हम लोग काला मोतिया नेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह रोग जो होता है ये गंभीर और निरंतर क्षति करते हुए आपकी दृष्टि को समाप्त कर देता है। अगर काला बिंदु हो जाता है तो आपके आंख को खराब कर देता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? चलिए बताइएगा मानव शरीर में जो विटामिन संचित रहता है कहां पर संचित रहता है? तो 13 का ऑप्शन यहां पर काफी सेफ श्रेणियों दिया है, यहां पर आपके यकृत में। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपके यकृत में ये आपका संचित रहता है, याद रखिएगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो चलिए डायलिसिस के बारे में हमने इसके पहले भी लेक्चर में आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया था। डायलिसिस का एक नाम होता है अपोहन। क्या इसे बोलते हैं? अपोहन बोला जाता है, इसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। जब आपकी किडनी सही नहीं होती है, किडनी काम करना बंद कर दे और आप कंडा की स्थिति में पहुंच जाए, है ना? समझ रहे हैं कंडा की स्थिति? ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका रक्त शुद्धिकरण किडनी होती है कार्य नहीं करती है, तो इसके लिए क्या होता है? डायलिसिस करना पड़ता है, और डायलिसिस के माध्यम से आपके रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, वृक अर्थात किडनी, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसकी समस्याओं को समाधान करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र कौन सा है? तो भैया मंत्र नहीं होता, यंत्र होता है, कोई तंत्र विद्या तो चल नहीं रहा है, यहाँ पर यंत्र ही बोलेंगे, है ना? तो ये बताइए वायुमंडलीय दाब को मापना है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आप क्या माप करेंगे? बैरोमीटर का माप करेंगे, ना? मतलब कह सकते हैं किसका लेंगे? तो बैरोमीटर के माध्यम से माप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे कौन सी होती है? परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन के फलस्वरूप जो तरंगें होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? तो 16 क्वेश्चन बनेगा डी, ये आपकी होती हैं वाई किरणें। कौन सी होती हैं? वाई किरणें होती हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, ठीक है? क्या बनेगा? डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर दिया है यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में, मतलब ये बताइए यूरेनियम 235 जो नाभिक होता है अर्थात न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होते हैं? मतलब जो प्रोटॉन होते हैं या आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? तो 17 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए डी नंबर बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है 235। मतलब दोनों चीज होते हैं, क्या होता है? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इन टोटल संख्या जो होती है 235 होती है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रतिध्वन मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो। लैंग्वेज को पढ़ के तो आप लोग बेहोश हो जाओगे, लेकिन अगर साधारण शब्दों में पूछा जाए कि अगर आपको अपनी ध्वनि को दोबारा से सुनना है तो आपके परावर्तक और आपकी दूरी के जो सतह होती है उसके बीच की दूरी होती है वो कितनी होगी, तब क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर 17 मीटर, याद रखिए ऑप्शन जो बनेगा वो बी नंबर होगा, 17 मीटर। मतलब कि अगर आप परावर्तक सतह से 17 मीटर दूर खड़े हैं और आप आवाज देते हैं तो वही आवाज आपस में आपको पुनः फिर से सुनाई देगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अगर कोई वस्तु समुद्र में डूब जाती है उसका पता आप लगाएंगे किस माध्यम से? चलिए 19 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका सोनार विधि। क्या होता है? यहाँ पर आपका सोनार विधि के माध्यम से पता लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है? ये क्वेश्चन आपका काफी दिनों से पूछा जा रहा है और आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आज 100% लोगों का जवाब सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। 20 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, और 20 क्वेश्चन आ रहा है सी नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या कितने लोगों का जवाब सही होगा। 20 क्वेश्चन ए और 20 क्वेश्चन सी आ रहा है। देखिए हम आपको एक सिंपल से मतलब बताने वाले हैं। देखो जैसे क्या होता है, ये आपकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है, मतलब ये बताइए इन चार चीजों में आप किसको ऊर्जा देंगे? ट्रांसफार्मर को तो आप देने वाले नहीं है विद्युत, क्या ट्रांसफार्मर को विद्युत देंगे? क्या प्रेरक को आप विद्युत देने वाले हैं? नहीं। यहाँ पर देखो डायनेमो है और आपका विद्युत ऊर्जा है, दो ही चीज होते हैं। तो भैया जब विद्युत मोटर को जो दोगे विद्युत तभी तो पानी निकाल के आपको देगी कि
करने देगी? यांत्रिक कार तभी तो होगा जब इसको क्या करोगे, विद्युत दोगे, लाइट दोगे, तभी तो यांत्रिक कार करेगा और इसके बाद पानी देगा। याद रखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर करता है, लेकिन यांत्रिक कौन होता है? डायनेमो होता है। अब ऐसा समझिए कोई ट्रैक्टर है, क्या है? कोई ट्रैक्टर है, उसमें लगा होता है डायनेमो। जब उसमें यांत्रिक क्रिया होती है तभी तो बिजली बनती है, और बिजली बनती है तभी ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं आपके मंगल ग्रह को। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं जो आपका आयरन ऑक्साइड मात्रा है, किसी भी चीज में अगर 15% से अधिक आपकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा हो जाए वो आपका लाल ही दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके जैसे सेब को काटते हैं तो लाल दिखाई देता है, सेब काटो तो लाल हो जाता है तुरंत। आप पालक काटिए तो भी उसमें हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है। मेथी काटो तो हो जाता है। जिसमें आयरन होता है वो तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है तो लाल होती है। लेकिन मंगल ग्रह पे ऑलरेडी 15% से ज्यादा आपका आयरन ऑक्साइड है, इस वजह से लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और अच्छा क्वेश्चन है। उस का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, इसके पहले क्या आपने नाम सुना है? चलिए बताइएगा, इसके पहले क्या आपने नाम सुना है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो जिसका सूर्य पश्चिम में उदय होता है? चलिए बताइएगा उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। चलिए यहां पर 22 नंबर में 22 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर सी आपकी यूरेनस में, कहाँ पर? तो आपका यूरेनस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। काफी लोग जवाब दे रहे हैं नेपच्यून, भैया नेपच्यून की बात नहीं करिए क्योंकि वो अपने यहाँ पर है नहीं, है ना, वो आपका है नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, यूरेनस। क्लियर है ना? क्लियर है, यूरेनस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वर्ष होता है 42 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पर वर्ष होता है कितने, 42 वर्षों का वर्ष होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन। ये जो कोई भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होते हैं? तो चलिए यहाँ पर 23 नंबर, ऐसा तो नहीं है यहाँ से लाइट लगा दी गई, पीछे से तार ठोक दिया गया और इसके बाद घूम रहा है लाइट मिल रही है, ऐसा तो होता नहीं है। याद रखिए कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो साधन होता है ये होता है सी, मतलब उसमें क्या होता है, सौर सेल लगे होते हैं। क्या? सौर सेल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? चलिए बताइएगा कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो चलिए भाई 24 का जवाब देना है, यहाँ पर खसरा है, सार्स है, चेचक है, ये सब वायरस वाले हैं ना। लेकिन जो टाइफाइड है, क्या है? टाइफाइड है। ये जब खराब पानी पियोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होंगे, और जो बैक्टीरिया होंगे तो आपको गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइफाइड आपके ये वायरस नहीं है। अगर टाइफाइड वायरस वाला होता तो घर के आसपास जितने पड़ोसी होते थे सबको टाइफाइड हो जाता है ना। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है किसके माध्यम से? यहाँ पर 25 क्वेश्चन बनेगा डी आपके गैलेनियम क्या नाम है, गैलेनियम आर्सेनाइड से। याद रखिए एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड जो आपका है ये किसे बनाया जा सकता है? तो आपके गैलेनियम आर्सेनाइड से, ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड। इसको नोट करिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको भी मिला होगा पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि सरल क्वेश्चन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। ये आप सभी को पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या है, अर्धचालक है। लेकिन कैसे आपके अर्धचालक हैं? यहाँ पर याद रखिए ये आपके होते हैं टेट्रावैलेंट। क्या? टेट्रावैलेंट होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, इसे भी नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। अगर त्वरित मतलब होता है तुरंत, अगर किसी एथलीट को यहाँ पर ऊर्जा चाहिए तो आप किसी उसे क्या दिलाएं? तो फल वगैरह नहीं देना है। क्या देना है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, किस प्रकार से जैसे जूस वगैरह है इस प्रकार को देना है। तो यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। डायरेक्ट नहीं मिलता है, आपकी बॉडी में एक परत होती है एर्गेस्टिरॉल। कौन? एर्गेस्टिरॉल। जो आपकी ऊपर की परत होती है उसे हटा दीजिए तो उसके नीचे होते हैं एर्गेस्टिरॉल, उससे क्या करती है, क्रिया करती है और आपकी विटामिन डी बन जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग आपको बताना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। और यहाँ पर जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, एनीमिया कह रहे हैं। चलिए भाई 29 ऑप्शन, यहाँ पर एनीमिया होगा या डायबिटीज? देखो डायबिटीज होता है क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, डायबिटीज होता है ना। शुगर बोलते हैं, शुगर आपने नाम सुना होगा, शुगर आपने जानते हैं ना, वही आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दूध का घनत्व निम्न उपकरण से मापा जाता है। दूध का जो घनत्व होता है किससे मापते हैं? यहाँ पर 30 क्वेश्चन बनेगा आपके ऑप्शन डी। याद रखिए जहां भी कभी दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो, दूध से बनी हुई कोई भी चीज होगी वहां पर एक शब्द लगेगा लेक्टो। क्या लगेगा? लेक्टो, क्योंकि लेक्टोमीटर से सब काम होता है। तो दूध से बनी कोई भी चीज हो और उसका अगर घनत्व निकालना या कुछ भी निकालना है तो आपको लेक्टो याद रखना है, लेक्टोमीटर, ठीक है। लेक्टोमीटर तो आपके घनत्व का है, लेकिन कोई भी चीज अगर बनी है तो लेक्टो शब्द आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, आंधी का वेग, मौसम की आर्द्रता या तापमान, क्या मापेंगे? तो यहां पर आप लोग भूकंप की तीव्रता मापेंगे। वैसे देखा जाए तो आपकी सीस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता, क्या कह सकते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं ना, सीस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन करते हैं और रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। दोनों पॉइंट को गौर करिएगा, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है नहीं तो गलत हो जाता। सीस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन किया जाता है लेकिन रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की अगर आपको तीव्रता मापना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर कौन से उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं? याद रखिएगा एक्टिवोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसे? एक्टिवोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, एक्टिवोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए 33 ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर, रोंटजन ने किया था। बिल्कुल जवाब सही है, रोंटजन आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए आपके सामने आ भी गया है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? तो अभी अभी जो चीज पर हम फोकस कर रहे थे कि सिस्मोग्राफ होता है भूकंप का अध्ययन, लेकिन वास्तविकता होता है रिक्टर स्केल जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाने वाली ऊर्जा होती है, खाने वाली ऊर्जा हम लोग कैसे मापते हैं, कौन सी इकाई से मापते हैं? चलिए बताइएगा, कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग, किसके माध्यम से? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, कैलोरी। बोलते हैं ना हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, है ना। जैसे गांव या देहात के लोग होते हैं उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनके कम ऊर्जा चाहिए, है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यहां पर 36 क्वेश्चन देना है, राइट आंसर इनमें से क्या बन जाएगा? तो चलिए यहां पर आपका 36 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं। चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन, अर्थात प्रकीर्णन मतलब होता है रमन प्रभाव, है ना। किसके लिए रमन प्रभाव किसमें होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में होगा। तो आपका जवाब बनेगा बी नंबर, है ना। सिनेमा किसका खनिज है पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पारा का है, किसका है, पारा का है, पारा का। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो आपका होता है संकेत क्या होता है, तो आपका HGS है ना, HG होता है आपके पारा का, और सिनेबार का होता है HGS होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो चलिए सेवन का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब आतिशबाजी के बाद, है ना, या कह सकते हैं आतिशबाजी के बाद कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आतिशबाजी के दौरान जो आपका रंग दिखाई देता है किस कारण से, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका स्ट्रांसियम। तो सेवन का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रांसियम के कारण, किसके कारण, स्ट्रांसियम के कारण आपका होता है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निष्कर्षण, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? मतलब किस आयस का संशोधन किया जाए, है ना, या निष्कर्षण किया जाए जिसमें से आपकी साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, या आपकी कौन है? तो आठ ऑप्शन ये हो जाएगा, चांदी के निष्कर्षण के लिए, क्या, चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन है? तो देखिएगा नाइन नंबर में यहां पर आपका हो जाएगा NCl3, कौन, NCl3, इसका जवाब हो जाएगा NCl3, ये नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक आपका है। देखा जाए तो जो आपका नाइट्रोजन होता है ये आपका ठंडा होता है, लेकिन यहां पर दिया है NCl3, ठीक है ना, वो तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं परम आर्द्रता। क्या बोलते हैं? परम आर्द्रता बोलते हैं हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को, क्या बोलते हैं? तो आपकी परम आर्द्रता बोलते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मानव निर्मित रेशा आपका कौन सा है? IMP क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक एग्जामों में, ना, कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर पॉलिस्टर, भैया पॉलिस्टर नहीं है, नायलॉन है, कौन, नायलॉन है जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है, मतलब ये किस रंग में देता है, कैसे देता है? यहाँ पर याद रखिएगा कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर यूरिया को गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर याद रखिए वायु रेट हो जाता है, कैसा, वायु रेट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु रेट देता है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है, ये भी आपका MPI से नोट कर लीजिएगा कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली जो नोबेल गैस है वो आपकी कौन सी गैस है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर आपका बन जाएगा आर्यन, है ना, आपने नाम सुना होगा, कोबाल्ट का भी आपने नाम सुना होगा, है ना, आपके इरिडियम का नाम सुना होगा, ये सर्वाधिक रूप से आपके प्रयोग होते हैं, जिनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था किसने, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से जो देखा वो किसने देखा था, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो चलिए याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन प्रथम दिया है ना, ये है स्ट्रांसमन द्वारा, किसके द्वारा, स्ट्रांसमन के द्वारा सर्वप्रथम आपका यहाँ पर देखा गया था, ऑप्शन यहाँ पर 14 का बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, रदर फोड़ने लगा ना यहाँ पर सर्वप्रथम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, ये बताइए जस्ता इनमें से किसमें नहीं उपस्थित है, किसमें नहीं उपस्थित है, तो देखिए पीतल में होता है, गंधातु में होता है, जर्मन सिल्वर होता है, लेकिन इसमें आपका नहीं होता, इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कांसा में, किसमें, आपकी कांसा में आपका जस्ता मौजूद नहीं होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न सर्वाधिक परिस्थिति के अनुकूल ईंधन कौन सा है, ये बताइए कि सबसे परिस्थिति अनुकूल के हिसाब से देखा जाए जो ईंधन है वहां पर कौन सा है, तो देखो आपका हाइड्रोजन, इसमें किसी प्रकार के अवशेष वगैरह नहीं बचते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तड़ित चालक जो निर्मित होते हैं किससे होते हैं, चलिए 17 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके तांबा से, किससे, तांबा से होते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा, प्रकाश की गति जो सर्व आपकी कह सकते हैं सर्वाधिक न्यूनतम होती है किससे, तो यहाँ पर वायु दिया है, जल से दिया है, कहाँ से दिया है, निर्वात से दिया है, जवाब कौन सा बन जाएगा, 18 नंबर में यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी। तो चलिए यहाँ पर याद रखिए 18 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, जब वो कांच से गुजरता है, कहाँ, जब कांच से गुजरता है, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है रेडियम प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए रेडियम, रेडियम आपको जो प्राप्त होता है वो किस ऑक्साइड से, अर्थात यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर में।
19 का ऑप्शन हो जाएगा रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड अयस्क से। किसने? पिच ब्लेंड अयस्क से रेडियम आपका प्राप्त होता है, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेनरी किसका इकाई है, ये आपने पढ़ा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो कठिन आपको लगे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो बताइए हेनरी किसका इकाई होता है 20 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरकत्व का। किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है, ऑप्शन बन जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आईएमपी है, क्वेश्चन दिया है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। यहाँ पर जवाब देना है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 21 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 24। अच्छा, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 21 में, ऑप्शन दे रहे हैं डी। चलिए, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। लेकिन आपको याद होगा कि 1 जूल में जो लगभग होते हैं वो 4.2 जूल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जूल में कितने कैलोरी पूछ लिया गया है, होता कितना है, 1 कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल होती है, मतलब 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। लेकिन यहाँ पूछ लिया 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, मतलब पासा पलट दिया, खेल बदल गया। अब इसका उल्टा निकालना है, और उल्टा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा, तब इसका जवाब बनेगा होगा 0.24। इसका राइट आंसर बनेगा क्या, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 0.24 हो गया, क्योंकि यहां पर 1 जूल कैलोरी पूछा है, जबकि होता कैलोरी बराबर जूल होता है। ठीक है, चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया पानी का अणुभार कितना होता है, आपने हमेशा से पढ़ा होगा पानी का अणुभार, बताइए भाई पानी का अणुभार कितना हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आ रहा है 18 AMU, बिल्कुल सही है, 18 होता है, ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। और अगला क्वेश्चन दिया है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तो आपकी यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन होती है। क्या? बल की इकाई होती है न्यूटन होती है, जो कि आपके इस पद्धति में पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तरफ से कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कहां से और कैसे किस प्रकार होता है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो ऊतक बनते हैं सेल्स बनते हैं, या आपके प्रोटीन से बनते हैं, किसे, आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं ऊतक होते हैं या प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांच है एक प्रकार का, तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में ये होता है अतिशीतित द्रव होता है। क्या? अतिशीतित द्रव होता है, मतलब कि अगर इसे टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये पानी जैसा आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा अतिशीतित द्रव होता है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है ना, ये आपकी सिलिकॉन की, क्या, सिलिकॉन की परत होती है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। हमने बताया था कि 10-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही आपको कंफ्यूज कर देंगे, लगेंगे कि बहुत कठिन है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आप देखते हैं एग्जाम में मिलते हैं सामान्य विज्ञान में, है ना। चलिए, ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस में सब कुछ मिले हैं। 27 ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये होती है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की, किसकी, आयरन ऑक्साइड की होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो भैया काफी लोग जवाब दे रहे हैं सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं भाई। यहाँ पर जो कि जवाब क्या दिया है, जवाब यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर ए नंबर भाई, आयरन ऑक्साइड होगा इसका आंसर। ठीक है, ए नंबर आयरन ऑक्साइड होगा, ए नंबर इसका राइट होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यही ग्रंथि है जो अपने मानव अपने बॉडी को कंट्रोल करती है, हर प्रकार की क्षमता को कंट्रोल ये करती है, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से कहते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 28 ऑप्शन बी, आपके सिर में होती है, मटर के दाने कितने आकार की होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विटामिन ई की कमी से होता है, अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। क्या? नपुंसकता उसमें आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप चने चबाते हैं तो अंकुरित करके चबाइए, क्योंकि अंकुरित करके चबाने में विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है, यहाँ पर एक रेडियन बराबर पूछा है कितने आरपीएम के होता है ना, जो कि एक प्रति सेकंड के हिसाब से है, तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा 9.549, राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी। हाँ, कभी कभी क्या होता है 10 मिल जाएगा, तो बात तो वही आपकी है ना, लगभग आपका यहाँ पर दिया है 10, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपको लगाना है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, FIR में आई अक्षर घोतक होता है, यहाँ पर बताइए FIR में जो आपका आई होता है ये किसका घोतक होता है, आई का मतलब इसमें होता क्या है, तो चलिए आई का मतलब यहाँ पर हो जाता है इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो चलिए अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया भी स्ट्रेटजी में पढ़ाया था कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। चलिए 32 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, अप्सरा, है ना, बिल्कुल सही है, अप्सरा है, जो कि 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे परिसर में बनाया गया था, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है श्यानता की इकाई क्या है, श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी, श्यानता की इकाई मतलब द्रव के बहने के गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट 33 का बन गया है ए नंबर, यहाँ पर पॉइज होता है, क्या, पॉइज होता है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और अगला दिया गया, इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है, बताइए इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है और पीतल है, तो बताइए कौन सा अनचुंबकीय है। कभी कभी आपने देखा होगा
कि कुछ औरतें होती हैं मार्केट में जाती हैं तो वो पहले से चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि वो उसको बेवकूफ ना बना पाए, है ना, वो बेवकूफ ना बना पाए। क्या लेने जाती हैं? जब पीतल का सामान लेने जाती हैं तब वो चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि दुकानदार उन्हें बेवकूफ ना बना पाए। क्यों? क्योंकि अगर पीतल में अगर लोहा मिला देंगे तो 100% है चुम्बक क्या होगा, वो चिपकने लगेगा, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि वो पीतल जब भी लेने जाती हैं तो वो पहले से चुम्बक ले लेती हैं ताकि इसने लोहा ना मिला दिया हो। लोहा होता है सस्ता, पीतल होता है महंगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो गांव की औरतें बहुत ही नंबर एक होती हैं चीजों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का प्रारंभिक बल जो आपका है क्या है? विकास का प्रारंभिक बल, विकास का प्रारंभिक बल यहाँ पर 35 नंबर का आपका स्टार्टिंग होगी कहाँ से? प्राकृतिक वातावरण से या प्राकृतिक वरण से होता है। यहाँ पर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि विकास का प्रारंभिक जो होता है प्राकृतिक वरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, सबसे पहले आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, क्या इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो बताइए भाई, परमाणु में इनमें से कौन सा कण नहीं होता है? मतलब आपके परमाणु में क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर बताना है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, ये किस पर है? तो आपके फैराडे का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। फैराडे का नाम आपने सुना होगा कि जो डायनेमो में होता है घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली होती है और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी फैराडे का नियम। और अगला क्वेश्चन दिया है कि आइंस्टीन समीकरण बराबर एमसी स्क्वायर में सी जो दर्शाता है क्या दर्शाता है? सी जो होता है क्या होता है? 38 नंबर में यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे यहां पर देखो, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान 39 ऑप्शन सी, ये है आपका पाथफाइंडर, ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, पाथफाइंडर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि एक पाउंड में कितना औंस होता है? एक पाउंड में कितना औंस होता है आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका 40 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, 16 औंस होता है। कितना? 16 औंस होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक पाउंड में कितना औंस? तो आपका 16। ये क्या होते हैं? वेट करने की आपकी इकाइयां हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक लीटर में कितना गैलन होता है, या पढ़ा होगा कि एक गैलन में कितने लीटर पानी होता है, ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए, एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 41 में ए नंबर, 0.2642 गैलन होता है, है ना। वैसे अगर आप देखते हैं कि एक गैलन में कितना पानी होता है, एक गैलन में, तो याद रखिए एक गैलन में लीटर के हिसाब से आता है तो आपका 3.7 आपका आता है। और आपने यहाँ पर इसी प्रकार हर चीज आपने पढ़ा होगा, कितना? एक बैरल बराबर क्या? एक गैलन में जो आपका होता है 3.78 लीटर होता है। लेकिन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर हम ज्यादा पढ़े हैं, आपने पढ़ा बैरल, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा होगा बैरल। एक बैरल बराबर जो होता है 159 लीटर होता है। कितना? 159, है ना। हम जान रहे थे कि आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ये है एक बैरल है, एक में 159 लीटर होता है, बल्कि एक लीटर में जो होता है कितना होता है, तो 3.78 लीटर द्रव होता है। समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? द्रव की श्यानता मापने के जो यंत्र होता है क्या होता है? तो आपका होता है विस्कोमीटर। क्या होता है? विस्कोमीटर होता है, विस्कोमीटर होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर यहां पर जो आपका दिया गया था आंसर आपका भी हो गया, और यह टेस्ट भी आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट होता है। धन्यवाद।